पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरु। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मे राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार औ ब्रजवानु की लाडली ने को मेरी ओर निहार। वर्षानी की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णम नारायणं वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनो वंदे कृष्ण वंदे ब्रजासुदं। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृशक्ति माता एवं बहन अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए हम और आप सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम और आप सब श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन ग्रहण करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखारी सब निरोग भगवान धनदान के भंडारी सब भद्रभाव देखे सदमार्ग के पथिको दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीर दीनता हे मेरे करतार हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निहार साधो संगत सुख दे सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें उनके उपरांत मैं परम श्रदय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें स्थान देवता वास देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम ये भी अपना स्थान ग्रहण करें विदुष समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन और टीवी के माध्यम से आप लोग देश विदेश में जहां भी श्रवण कर रहे हैं प्रभु प्रेमी आप सबको भी मेरा प्यार भरा राधे धीरे बोलिए धीरे और धीरे बोलो कितने पाप किए होंगे आखिर भगवान के पास जाएं क्यों भगवान की कथा सुने क्यों भगवान को आखिर ध्याएं क्यों मिलता क्या है आखिर वहां जाने से किस लिए जाएं बहुत से लोग कहते हैं महाराज हर पल आप लोग धर्म की चर्चा करते रहते हो भगवान की चर्चा करते रहते हो एक बात बता रहे हैं हम आपको जो मिट जाए उसे संवारने में जिंदगी लगा दो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो कभी ना मिटे उसे संवारने में थोड़ा भी समय लगा दो तो तुमसे समझदार कोई नहीं थिंक फॉर अ वाइल माय डियर व्हाट विल गो विद यू तुम्हारे साथ क्या जाएगा Who will go with you? Your totally family members. एक भी जाएगा Nothing will go with you. कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं और करें क्या महाराज बोले सीधा सीधा रास्ता है चला जा कोई टेंशन नहीं एक चीज जीवन में अपना ले मैं उसका हूं और वो मेरा है उसके बाद क्या होगा सुन वही बताने के लिए कह रहा हूं कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी मिल जाएगी को झुकाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद
प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी, फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा प्रेम कर निर्मल सदा
खिले सूखी बगिया खिले ऋतु बदल जाने के झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरी शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरी शरण आने के बाद राधे 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 सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय निम्बार्क भगवान की जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में शांति विश्व में शांति विश्व में शांति ओ शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलें भगवत कृपा के चाहने वालों भगवान के चरणारविंदों का वो सुंदर दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों जीवन को सफल बनाने की इच्छा रखने वालों संसार सागर की बहती हवाओं में अपने आप को एक मंजिल तक पहुंचाने की इच्छा रखने वालों आप सबकी मंजिल प्राप्त होगी लेकिन रास्ता श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही प्राप्त होगा। हर खुशी तुमको मिलेगी चरणों में सर को झुकाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। दो प्रकार के लोग हैं संसार में, प्रकार तो कई हैं, आज चर्चा दो प्रकार के लोगों की करेंगे। एक वाकई पाना चाहते हैं, तीन प्रकार के लोगों की चर्चा कर लेते हैं। एक वाकई पाना ही नहीं चाहते, एक पाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, समझ नहीं आता उनको खुद को ही। तीन प्रकार के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। एक
जो दृढ़ निश्चय कर चुके कि नहीं पाना ही है, दूसरा दृढ़ निश्चय कर चुके आई डोंट केयर, हमें तो कुएं में गिरना है गिरना है, वहां कुएं हमारी जीवन के बाद में स्वर्ग होगा, हमारे मरने के बाद में हमें हमारे कर्मों का फल, ये सब बेकार की बात है। बहुत से लोग ये बोलते कहते हुए आपने सुना हो, सुने कि नहीं ऐसे लोगों को, मिला कि नहीं ऐसा लोग, नहीं मिला, मिलते हैं, अरे क्या बात करते ये लोग, मरने के बाद किसने देखा, किसने देखा है, ऐसा उनका मानना है कि ये सब बेकार की बात है। तीसरा कंफ्यूजन में है, किसी ने कह दिया तो चलो मंदिर में जाके शिव जी पे एक लोटा दूध चढ़ाए, और दूसरे क्षण किसी ने कह दिया हाथ पकड़ा अपने फ्रेंड का मूवी थिएटर में घुस गए। यहां के भी नहीं है वहां के भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। सर से लेकर पैर तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, करे कि मरे क्या करे, छोड़ दे, पाना तो दूर की बात है, पहले डिसाइड टू कर, पाना दूर की बात है, डिसाइड कर पहले व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या, डूबना चाहते हो या पार होना चाहते हो या नदी के किनारे पे नहीं जाना चाहते। एक बात तो अच्छे तरीके से समझ लो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू पे Whatever you do today, तुम्हें भोगना पड़ेगा जो तुम आज कर रहे हो, अच्छा या बुरा ये तुम्हारी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बुरा करोगे तो भोगना नहीं पड़ेगा, अच्छा करोगे वो जो दोनों ही है, दोनों ही भोगने पड़ेंगे, अच्छा हो या बुरा, तुमने क्या किया है वैसा ही फल, बीज जो बोए फसल काटो। कंफ्यूजन में है एक, पाए कि नहीं पाए, करें कि नहीं करें, जाना कहां है, मंजिल नहीं मालूम है, रास्ता नहीं मालूम है। तीसरे दुर्योधन टाइप है, वो कहता है कि मुझे मालूम है, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्तिम। दुर्योधन ने किसी और से नहीं, कृष्ण ने से एकदम डायरेक्ट भगवान से कहा, तुम ये मत समझना कि मैं धर्म को नहीं जानता या मैं अधर्म को नहीं जानता, आई नो वेरी वेल व्हाट इज द रिलीजन बट आई डोंट लाइक रिलीजन। मुझे नेगेटिव दिशा में जाना है, दिस इज माय चॉइस, मुझे मालूम है ये अधर्म है लेकिन अधर्म में न करूं ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं, मैं छोड़ दूं अधर्म को, ये मेरा स्वभाव है ही नहीं, दुर्योधन कहता है। तो कुछ फॉलोअर्स होते हैं दुर्योधन के, आप ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं? इस समय सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके होते हैं, माला जपने वालों के या माल इकट्ठा करने वालों के, जवाब दो हैं? नहीं अपने दिल से पूछो ना, फलाने प्लेयर के इतने फॉलोअर्स, फलाने एक्टर के इतने फॉलोअर्स, अरे फलाने कथावाचक के कितने हैं, क्या बोले कथा सुनने आते हैं बूढ़े बूढ़े, वो ट्विटर चलाते नहीं, वो ओपन करते नहीं, और जवान जवानों को तो हीरोइन और हीरो लाइक करने से फुर्सत नहीं, तो हम जैसों को कौन पूछेगा, हाँ जी कि ना जी। तो किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, दुर्योधन के कि धर्मराज के? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को धर्मराज कर रहे हैं, हम तो दुर्योधन से लाख गुना बुरे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे हैं। ये कतई मत समझना कि हम अपने आप को अच्छा साबित करते, अच्छे तो हम है ही नहीं पैदा से लेके आज तक, आगे हो जाए इस बात की भी उम्मीद कम है। लेकिन
दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि मैं जानता हूं यह धर्म है, पर फिर भी इसको मैं छोड़ दूं ऐसी मेरी कंडीशन नहीं है, स्वभाव नहीं है मेरा। तीन प्रकार के लोग हैं, प्रकार और भी कई है, हम चर्चा तीन प्रकार के लोगों कर रहे हैं। अब उन तीनों में से तुम कहां हो यह तुम्हें सोचना है। कथा सुनने आए हो ना, इंजॉय करने तो नहीं आए, कथा तुम्हें सिखाती है ना कि तुम कहां हो, तुमने आज तक क्या किया है, तुम आगे क्या पाना चाहते, यही ना सिखाती है कथा, इसी के लिए ना होती है कथा, इसी का काम है ना, कथा का काम है ये, तुम्हें ये समझाना। तो बताइए तीनों में से आप कौन से प्रकार के हो, एक कंफ्यूजन में, एक पाना चाहता है, एक मतलब ही नहीं, आप कहां खड़े हो ये मुझे नहीं बताना, ये अपने आप से सोचो। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, तुम्हारा डिसीजन ही तुम्हारी मंजिल है। जवानी में काजल अच्छा लगता है, जवानी में लाली अच्छी लगती है अधरों पे, जवानी में कोई भी कपड़े पहन लो अच्छे लगते हैं, और बुढ़ापे में वही सब गंदे भी लगते हैं। हाँ जी कि ना जी, ईमानदारी से जवाब दो। बुढ़ापे में कोई ज्यादा बन ठन के आ जाए ना, तुरंत समाज वाले लोग कह देते हैं वो लाल, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने कहा है बोलो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है समाज के और समय के, इन दोनों के हिसाब से इंसान को टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। जो बचपन में खा पीते हो वो जवानी में अच्छा नहीं लगता, जो जवानी में खा पी लेते हो वो बुढ़ापे में अच्छा लग भी जाए पचेगा नहीं। वही ड्रेसअप बच्चे बचपन में उनको हाफ पैंट पहना दो, बुढ़ापे, आजकल तो तमाम जवान जवान महाराज पूरा काम कर गया हाफ पैंट में, अरे कपड़ा कम हो गया गर्म। ऐसी देखो लोग, मैं हंसी आती मेरे को, लोग कहते हैं ये मॉडर्न लोगों का काम है, महाराज आप लोग नहीं जाने, आप धोती पहनने वाले लोग क्या जाने मॉडर्ननेस किसको कहते हैं, अगर भाई कपड़े कम पहनने को ही मॉडर्ननेस कहते हैं तो मेरी नजर में पशु जितने भी हैं तुमसे ज्यादा लाख गुना ज्यादा मॉडर्न है। पशु मीन्स एनिमल्स, इंग्लिश मीडियम एनिमल्स, तुम्हें तो फिर भी थोड़ा बहुत टांगना पड़ता है, वो तो बिल्कुल पहनते ही नहीं, तुम ज्यादा मॉडर्न हो कि वो। पशु पहनते हैं, हाथी को देखा हुआ है आपने टाई लगाते हुए क्या, बोलो ईमानदारी से, देखा है हाथी को, देखा है घोड़े को, देखा है तुमने स्वान को, देखा है मिस्टर स्वान ब्रांडेड ड्रेस पहनते, एक पशु का नाम बता दो जो, हाँ जो बड़े घरों में पाले जाते हैं उन्हें कभी फैशन के नाम पे कुछ कर दे वो एक अलग विषय है, उनका स्वभाव नहीं, उनका धर्म नहीं कपड़ा पहनना, उनका स्वभाव नहीं, वो ऐसे डोले महाराज बैरागी आदमी, कोई कपड़े की जरूरत नहीं, तो तुम ज्यादा मॉडर्न हो कि वो। जन्मुनि देखे निर्वस्त्रा, कोई वस्त्र नहीं, जन्मुनि त्याग की परिभाषा, तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो वो है। तुम किस बात को अपने आप को कहते हो मॉडर्न है, कपड़े कम पहनने को थोड़ी ना कोई मॉडर्न है, जिसने समाज के लिए कुछ अच्छा कर दिया वो मॉडर्न हो तो ठीक अच्छी बात है, टाइम के हिसाब से अच्छा किया। तो बंधु इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सेकंड डे उपस्थित हैं, आपको ये सोचना होगा कि आखिर हम दुर्योधन के चाहने वाले हैं, धर्मराज के चाहने वाले हैं, या फिर कंफ्यूजन में है कि हम कर क्या रहे हैं। एक रास्ता अपनाइए, एक दिशा में दौड़ पड़िए और उसको मजबूती से पकड़ लो, और कोई भी तुम्हें लाख बातें कहे उसकी तरफ ध्यान मत दो।
आजकल मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, लोग धर्म की जो कार्य करने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं महाराज हम अच्छा काम करने जाते हैं, लोग हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो तुम क्या लोगों के पास माला पहनने जाते हो? क्या आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको माला पहनाएंगे? 19 साढ़े 19 साल हो गई हमको कथा कहते कहते, 20 साल हो जाएंगे अभी मार्च में, शिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन अब वो 97 में कौन से में पड़ी शिवरात्रि पता नहीं, पर शिवरात्रि वाले दिन हमको 20 साल हो जाएंगे कथा करते करते। सही बोल रहे हैं हम, 20 साल हो जाएंगे। तो 20 साल हो गई कथा करते करते फिर भी निंदक बहुत हैं। ऐसा नहीं कि स्तुति करने वाले नहीं, स्तुति करने वाले बहुत है, प्यार करने वाले बहुत है, लेकिन निंदक भी कम नहीं। भाई सीधी सी बात है, मदिरा पीने वाले को मिल्क अच्छा नहीं लगेगा और मिल्क पीने वाले को मदिरा अच्छी नहीं लगेगी। मिल्क पीने वाला मदिरा वाले की बुराई करेगा, मदिरा वाला मिल्क पीने वाले की बुराई करेगा। बच्चा है दूध पीता है, तू बोले जवान पी के मरेगा जल्दी, बुढ़ा भी नहीं होगा, बुढ़ा भी नहीं होगा उससे पहले चला जाएगा, जवान के बच्चे। राधे राधे। एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक मदिरा पी रहा है एक मिल्क पी रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो आपकी खिंचाई करेंगे। अभी हम लोग अच्छी चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा, तो बुरे लोगों को क्या क्या नहीं सुनाते हम, वो भी तो कहते होंगे देखो इन धर्म के ठेकेदारों को कितनी कितनी बुरी बातें हमें सुनाते हैं ये लोग, हमें फ्रीडम नहीं देते, हमें जिंदगी नहीं जीने देते, हमें ये नहीं करने। अरे हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ है, हम चाहे कुछ भी करें, तेरे बाप की लाइफ है, ये किसी की लाइफ नहीं है। दिस इज नॉट योर लाइफ, कृष्णा गिव्स यू माय डियर, ये मेरे गोविंद की लाइफ है। तुम्हारे पास जो भी कुछ है, वॉट एवर यू हैव, सब उसका है, तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं। तो जिसने लाइफ दी है उसको थैंक्स तो रोज बोलना पड़ेगा भाई। तुम्हें कोई रास्ता बता दे तो थैंक्स बोलते हो, कहीं जा रहे हो अननोन सिटी में और कोई रास्ता किसी से पूछो और वो रास्ता तुम्हें बता दे तो क्या बोलते हो? थैंक यू भैया, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ऐसे ही ना होता है। अब भारतीय तो भैया बोले बिना तो रहेंगे नहीं, अब चाचा और ताऊ तो कह नहीं सकते। अब बुजुर्गों को भी भैया सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है, फिर तो वो जम के रास्ता बताते, फिर और खिड़की खुलवा के बोलते इधर से उधर से, वहां कहो तो मैं छोड़ के आऊ। भैया सुन के थोड़ी यंग फीलिंग मन में जाग जाती, नहीं? राधे राधे, अच्छी बात है। तो हमेशा एक दूसरे के जो लोग हैं अपोजिट हैं उनके प्रति आप ये मत सोचिए कि धर्म करने जाओगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी कदम उठाओ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग हमेशा साथ खड़े। लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मत सोचो, आप कर्म क्या कर रहे हो ये सोचो। कितनी अच्छी बात आज मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के ऊपर डिपेंड होके हम अपना कर्म निर्धारित करें तो क्या सूर्य टाइम पे आएगा? क्या चंद्रमा अपना काम करेगा? क्या पृथ्वी अपना काम करेगी? क्या आकाश, अगर ये लोग हम पे डिपेंड रहे तो। अब सूर्य देव इंतजार करें कि जब ये सब लोग उठ जाएंगे तब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं निकलूं उदय हूं तब ये मेरे को जल चढ़ाएंगे। अब बताओ इंदौर में कितने बजे निकलेगा फिर सूरज, और संडे वाले दिन तो फिर उनको छुट्टी पे ही जाना पड़ेगा। हाँ जी कि ना जी बोलो, जवाब दो। अब सूरज सोचे कि ये सब जग जाए तब चलूंगा मैं। जिस समय सूर्य उदय होते हैं उस समय आधी से ज्यादा दुनिया सोई हुई होती है, और जब दुनिया सो रही होती है फिर भी सूर्य नारायण आना बंद नहीं करते बिना ये सोचे कि ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं। वो अपना कार्य करते हैं, और जब वो अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है, बिना किसी के बारे में हानि लाभ, बिना कुछ भी उल्टा सीधा सोचे वो टाइम पे आते हैं।
और आकर एक सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है, सनराइज। ये सिर्फ एक सूर्य उदय नहीं, एक न्यू डे, एक नया दिन आपकी लाइफ में आता है और वो नया दिन आपको कुछ नया करने के लिए तैयार करता है। तो आप सबने सूर्य नारायण से एक शिक्षा हमको लेनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि मेरा कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेगा। सिर्फ इतना सोचो। क्या सोचना है? क्या सोचना है? मेरा कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेगा। और जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरा कृष्ण मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो दुनिया तो बहुत दूर रह जाएगी तुमसे, बहुत दूर। क्यों? ये दुनिया अभी है, थी नहीं। ये लोग तो बदल रहे ना, 10-20-25-50 साल पहले ही तो लोग हैं, इनसे पहले और लोग थे, और इनके बाद फिर और लोग आ जाएंगे। संसार बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो है तू, वो है तेरा रिश्ता, और वो है परमात्मा जिसने तेरा हमेशा निर्माण किया है। और जिस परमात्मा ने तेरा निर्माण किया है, वही परमात्मा के साथ तेरी सच्ची रिश्तेदारी है, बाकी सब मिथ्या, सब झूठ है। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, सांवरे रसियाते अपनी पुरानी। पुरानी कौन सी? 2 साल पुरानी कौन सी पुरानी? बोलो ना, 1 साल पुरानी, 5 साल पुरानी या 50 साल पुरानी? अरे क्या बात करते हो, जन्मों जन्मों पुरानी। ये तो हम ही मूर्ख थे जो भूल गए, बहुत दिनों तक याद ही नहीं किया, कोई टेलीफोन नहीं किया। और अच्छा, बहुत से लोग नहीं मिलते समाज में, अरे साहब आपसे हम 15 साल पहले, ध्यान है आपको? आज जब मुझे भी कभी पहले जब हम कथा करते थे, पहले तो इतना कहाँ लोग हुआ करते थे, अब देखो पंडाल कल भी बढ़वा दिया, वो भी आज फुल कर दिया। देख लो, मेरी बात पे मत यकीन करना, देख लो ये समाज हो गया है। जिनके पास जाते हैं संदेह भी उन्हीं पे करते हैं। ये भी आप लोगों ने आज फुल कर दिया, अब कल फिर बढ़वाने की कोशिश करेंगे और क्या। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। कितने सालों पुरानी है मेरी रिश्तेदारी उसे? कोई घड़ी, कोई दिन, कोई ईयर? जब हमसे पुराने लोग जब हम कथा करते थे पहले, उम्र भी वैसी थी, 17-18-19-20, लोग भी कम आया करते थे। और आज जब वो लोग मिलते, ठाकुर जी आपको याद है हम आपको फलानी जगह पे मिले थे, कोई 17 साल बाद मिल रहा है, कोई 15 साल बाद, कोई 10 साल बाद। लेकिन कृष्ण से हम 20-25-50 साल 100 साल नए, जब से ये दुनिया बनी है तब से हमारी उससे रिश्तेदारी है मेरे प्यारे, उससे तब से जब से दुनिया बनी है। ये तो कुछ कामों के चक्कर, जंजाल के, संसार के झमेलों में पड़कर हम उसे भूल गए, उसे मिल नहीं पाए, उसके पास जा नहीं पाए। इस संसार ने ऐसा झमेला क्रिएट कर दिया कि हम थोड़ी देर के लिए भूल गए कि वो भी हमारा है। लेकिन जब सदगुरु के चरणों में बैठे तो उन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के थोड़ा जोर से झकझोर दिया और कहा, कहां बैठा है? जैसे आप अपने बच्चे को झकझोर देते हो, कहां? जब बच्चा गलत संगत में बैठा हो, वो कहता है दे आर माई फ्रेंड, बट पेरेंट्स आर सेज नॉट, दिस इज योर नॉट, दे आर नॉट योर फ्रेंड, कम I show you your real friend. Who is your real friend, my dear? Your parents, your real friend. Your religion, your real friend. Your religion, आपका धर्म आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और सबसे beautiful और handsome friend अगर कोई है, कौन है? सांवरे रसियाते अपनी पुरानी यारी, वो अपना सबसे प्यारा और सबसे पुराना हमारा, उससे पुराना कोई है ही नहीं, वही हमारा अपना सबसे पुराना रिश्तेदार है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना पड़े। अभी भागवत हुई थी खड़गपुर में, वहां प्रसाद दिया और ठाकुर जी ने अपना सर दिखा दिया।
किसी को 21 साल बाद भी संतान दी है भगवान ने इस भागवत महापुराण में, 17 साल 13 साल, और ये प्रैक्टिकल है, मैं ऐसे फेक नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट बाबाजी टाइप लाइक द जो कृपा का बिजनेस करते होंगे, आई एम नॉट लाइक दैट बाबाजी। कृपा में इंटरनेट से कृपा नहीं बांटता हूं किसी को, अपने पास ही नहीं है कृपा, देंगे क्या? अपन पे नहीं है भाई कोई, न मंत्र है देने के लिए, न कृपा है देने के लिए, हम पे तो सिर्फ ठाकुर जी की ही कृपा है, तो वो पाने की कोशिश अपन कर रहे। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, इसीलिए थोड़ा मैं बोल इसलिए देता हूं, क्योंकि जब भी कोई ऐसे लोग पकड़े जाए सबको लाइन में खड़ा कर देते हैं, सब एक जैसे होते हैं। अरे हमारा तो काम ही नहीं है ये, हमें बाबा जी कैसे कह सकते, हम ब्राह्मण है, हमारा काम है कथा कहना, आपका मतलब सिर्फ कथा सुनो और जाओ। हम पीछे अपनी देवी जी के साथ कहां घूमने गए, बच्चों के साथ कहां घूमने गए, हमने क्या खाया, डोंट बॉदर दिस। अब पीछे पीछे जाओगे तो घर में जाएंगे तो हम पापा भी हैं किसी के, हम बच्चे भी बेटा भी हैं किसी के, हम एजीवी हैं किसी के। अब घर में आके हमें चेक करोगे तो घर में तो फिर आम इंसान है, हम लोग भगवान थोड़ी है। और भगवान आ जाए तो क्या, भगवान ने क्या बच्चे नहीं खिलाए? द्वारकाधीश के 1 लाख से ज्यादा पुत्र थे और उन अपनी बहुओं के सामने बैठ बैठ के बालक ने खिलामत रहते, द्वारकाधीश भगवान गोद में, कौन? कृष्ण जी। जिस संसार में आए हैं, ग्रस्त में आए हैं, वो ग्रस्त के कुछ कार्य ठाकुर जी ने सौंपे वो पूरा कर रहे, तो आप उसके अंदर मत जागिए ना। आपका हमारा मतलब धर्म से है, धर्म से संबंधित हर चीज को लेते रहिए। अदरवाइज कहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया अधिक निकट निकटता भी कभी कभी मुश्किल खड़ी कर देती है, ज्यादा करीब नहीं रहना चाहिए। या तो प्रेम इतना हो कि उसकी बुराई भी स्वीकार कर लो, हर चीज कि महाराज जी क्रोध करते डांट देते ये सब स्वीकार करो फिर, और नहीं तो फिर जितना मतलब का है वहां से कैच करो और जाओ, यही अच्छा है। तो हमारी रिश्तेदारी ठाकुर से है, भागवत की कृपा से आप सबको भी यहां बहुत कुछ मिला होगा, अगर नहीं मिला होता तो लगातार आप कथा सुनने नहीं आते, मिलता है तभी आप आते हो। आज भी ऐसे लोग मेरे साथ हैं जिनके साथ भागवत ने प्रत्यक्ष चमत्कार किया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सबसे पहली बात तो यह समझ लो, कोई रोल नहीं है मेरा। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जब भी मैं कथा कहता हूं सिर्फ ठाकुर के हवाले रखकर उन्हीं के सामने उन्हीं के लिए कहता हूं, यही मेरी बात है बस, और इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके जीवन में जो भी चमत्कार होते हैं भागवत के माध्यम से वो भागवत करती है, इट मीन स्वयं भगवान करते हैं, हम नहीं करते। तो आप सब ये अनुभव आप लोगों को भी मिला, किस किस को मिला है भागवत ने, किस किस को दिया है, देखिए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। और नास्तिक लोग कहते क्या मिलता है, नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते क्या मिलता है, आके देख, जिस गली में जाएगा नहीं, जिस रास्ते में जाएगा नहीं, पता कैसे चलेगा कितने किलोमीटर जाना है। तो भागवत क्या देती है, दरिद्र से क्षय रोगी, रोगी का रोग समाप्त करती है, और दरिद्री को धनवान बनाती है, पापी को निष्पाप बनाती है, संतानवान जो नहीं है उन्हें संतान प्राप्त कराती है, और बोले जिन्हें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलता है, लाइक परीक्षित। परीक्षित को क्या मिला, अनपथ्यो मोक्ष कामां, भागवत उसे मोक्ष दे देती है। और जितने भी 50 प्लस हैं यहां पर, कौन कौन है पूछू क्या, जितने भी 50 प्लस हैं सबसे एक ही प्रार्थना, भागवत पूरी सुनना लेकिन संसार की कोई वस्तु मत मांगना। जितने भी 50 प्लस है सबसे कह रहा हूं, संसार की कोई वस्तु मत मांगना, इस भागवत को सुनने के बाद अगर मांगना हो तो सिर्फ इतना मांगना कि हे गोविंद, जो अंतिम में फल रखा है अनपथ्यो मोक्ष कामां, वो फल इस दास को भी मिल जाए,
बस इतनी इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो दे दीजिए, कृपा हो जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी सोच है, श्रद्धा के साथ जो भी बैठा है, कल हमने एक भजन गाया था, प्रेम रस जिसने पिया श्री राधे के नाम का, हो गया हो गया हो गया वो दीवाना राधे श्याम का। तो जिसने श्रद्धा से सुना है या सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन्हें मिलेगा। परीक्षित को मिला है, प्रमाण है। आधुनिक युग में भी मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैं आपसे कई बार शेयर कर चुका हूं, कथा पंडाल में नृत्य करते करते सातवें दिन, छठे दिन नहीं, पहले दिन नहीं, 2007 इन अगस्त, डेट बताऊं, 26 ऑन द स्पॉट इन कथा पंडाल, जो मुख्य यजमान उनकी माता जी, नृत्य करते करते बिना एक क्षण गमाए ठाकुर जी के परम धाम को प्रस्थान किया, नृत्य करते करते। अब किसी वैज्ञानिक से पूछे, बोल अटैक पड़ गया, अगर तेरे बाप को भी अटैक पड़ गया, वो अटैक उसी दिन पड़ना था, सातवें दिन पड़ना था, और अटैक पड़ा तो भी अटैक बंद नहीं है। अगर अटैक सातवें दिन कथा सुनते सुनते नृत्य करते करते पड़ा तो वो अटैक बंद नहीं है। सातवें दिन कथा सुनते सुनते, और ये संयोग देखिए, उस कथा को भी ये शरीर कह रहा था, ये दास कह रहा था, तब तो मैं और छोटा था, बहुत छोटा था। कितने साल की पै हो गए अभी, 15 चल रहा है, 8 साल हो गए, 8 साल प्लस। ओह माय गॉड, तब मैं 20 प्लस था, 29 प्लस, वो भी समय था। तो वो चमत्कार हमने देखा और इसी जीवन में देखा, भागवत का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। इंदौर वासियों के माध्यम से मैं इसलिए पूरे विश्व को बता रहा हूं क्योंकि यहां के श्रोता गूढ़ श्रोता हैं, बहुत सीरियस श्रोता हैं, इसलिए सब सब्जेक्ट में क्लियर कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि भागवत मोक्ष नहीं देती, देती है। ऐसा नहीं है कि भागवत पुत्र नहीं देती है। यहां ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिन्होंने भागवत से न जाने क्या क्या मांगा, किसी ने जॉब मांगा होगा, किसी ने बिजनेस मांगा होगा, किसी ने अपना खुद का घर मांगा होगा, मिला है। कई बुरा मन मांगा है, थोड़ा दिल पे मत लेना, कईयों को तो चुनाव जितवाई भागवत, सच बोल रहा हूं। जब इलेक्शन होने वाले होते ना, इलेक्शन होने वाले, तो उस क्षेत्र से कई ऑफर भी आते, महाराज कथा करवानी, 1 साल पहले, 6 महीने पहले। और अगर किसी सामाजिक कार्य का एक माध्यम भागवत हो तो ये समाज के लिए अच्छा है, उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। दोनों को पता हो कि धर्म की जो नींव है, जो जड़ है, वो कितनी गहरी है। तो मैंने अपनी लाइफ में इस दास ने बहुत देखा है भागवत का चमत्कार, आपने भी देखा होगा भागवत का चमत्कार। अगर नहीं देखते तो यहां नहीं आते, इतनी बार कथाएं होती हैं फिर भी इंदौर में हर बार ये ग्राउंड फुल हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब जब आप भागवत सुनने आते हैं तब तब भागवत आपको कुछ न कुछ तो जरूर देती है। शर्त सिर्फ इतनी है, शर्त सुन लो, शर्त सिर्फ इतनी है कि जब भी सुनो
श्रद्धा से सुनो, विश्वास के साथ सुनो। दुनिया कुछ भी कहती रहे उसके कान मत करो। दुनिया का तो काम है अच्छाई में भी क्या करना, क्या डाते हैं है ना, अच्छा करे तो भी अड़ाती, तो इसकी परवाह मत करो। एक ही चीज की परवाह करो कि मेरा कृष्ण क्या कहेगा, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, मुझे मेरे गोविंद के लिए जीना है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना। रहेंगे दुनिया में ठीक है, व्यवहार निभाएंगे, पर लक्ष्य सिर्फ कृष्ण है, उद्देश्य सिर्फ कृष्ण है। और वो कृष्ण को ऐसा नहीं कि उनको हमारी चिंता नहीं, उनको हमारी बहुत चिंता है। गोलोक में सर्वेश्वर भगवान सर्वेश्वरी श्री राधा के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण उदास है। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, आप उदास क्यों हो, आपका ये मुखारविंद आज कुमलाया हुआ क्यों है, आपके मुख पर ये उदासी शोभा नहीं देती, आपका मुख तो हमेशा मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। कई चेहरे उदास अच्छे नहीं लगते, कई चेहरे कई मुख ऐसे अच्छे हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहे, ऐसे अच्छे लगते हैं। तो आप बताइए आप उदास क्यों हैं। श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, श्री राधे ये जितने भी संसार के लोग हैं ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, लेकिन कलयुग की हवा ने, कलयुग के वातावरण ने इन बाल गोपालों को ऐसे कर्म, इनकी वृत्ति प्रवृत्ति विचार विवेक ऐसा हो गया है, जो सच नहीं है उसे सच मानते हैं और जो सच है उसे झूठ मानते हैं। इन्हें दुनिया के लोग बुरे थॉट समझा देते हैं, बुरे विचार समझा देते हैं, और इनकी समझ में वो बुरे विचार आ जाते हैं और ये उस बुराई में लग जाते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं जब ये संसार के लोग बुरे कर्म कर करके बुरी योनि में भटकते हैं तो नाना प्रकार से ये कष्ट पाते हैं, अब हम जब बाल गोपाल कष्ट पाएंगे तो मां बाप तो दुखी होंगे। आप बताइए क्या आप दुखी नहीं होंगे जब हमारे बच्चे की आंख में आंसू हो, नहीं होंगे आप उदास, होना ही पड़ता है। आप कितने भी धनाढ्य हो, कितनी भी खुशियां हो, लेकिन बच्चे को अगर मुसीबत में जब आप देखते हो तो आपके जो खुशियां हैं वो आपको खुश नहीं कर सकती। मां बाप को दुखी होना पड़ता है क्योंकि वो उनके बच्चे दुखी हैं, बच्चे अपसेट। अब बताइए अगर मेरा बच्चा दुखी हो तो क्या मैं खुश होऊंगा, रह पाओगे हैप्पी, नहीं ना। तो हम सब किसकी औलाद है, जवाब दो, किसकी औलाद है हम, कृष्ण की ना। तो क्या हम सुखी, वो हम दुखी हों तो वो सुखी हो पाएंगे। बच्चों में एक ही कमी है, एक ही सबसे बड़ी कमी है इन बच्चों में कि बच्चे कभी मां बाप का दर्द नहीं समझते। बच्चे सेल्फिश है, चाहे वो आपके बच्चे हो चाहे वो भगवान के बच्चे हो, इनको लगता है मेरा दर्द दर्द है, मां बाप का दर्द दर्द नहीं। अरे जब तुम दुखी होते हो तो भगवान दुखी हो जाता है क्योंकि वो तुम्हारा रियल फादर है, वो तुम्हारी रियल मदर है, तुम्हारे सच्चे माता पिता हैं वो। नहीं कहते हो क्या, तुमेव माता, बोलिए बोलो ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव। You are my everything, you are my mother, you are my father, you are my friend, you are my everything. आप मेरे सब कुछ हो। तो जब वो सब कुछ है तो जब आप दुखी होगे तो वो सुखी होगा, और आप दुखी कैसे होते हो, जड़ में चलिए,
जड़ में चलिए, हमारे दुख की वजह क्या है? हमारा कर्म, हमारी मूर्खता। रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी है, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, बड़े भागे मानुष तन Thank you.
जगत के धंधे बंदे आ छोड़ जगत के धंधे बंदे बन जा तू दुनिया में आए थे क्या लाए थे क्या लाए थे ये सात आया था क्या नहीं आया था ना दोनों हाथ उठाई ऊपर और सही बताइए क्या लेके आए थे एक फटी चीर भी लाए थे क्या एक भी फटी चीर एक भी और जाओगे तब ओ क्या तू लेके आया बंदे महाराज जी मुझे उस व्यक्ति ने इतना दुख दिया आप जानते हो महाराज उसने मेरा सर्वस्व छीन लिया जानते हो महाराज उसने मुझे चीट किया चल हट बंद कर ये बातें करना बंद कर तूने निश्चित तौर पर इसको चीट किया होगा तब ये अपना बदलाव ले रहा है तूने निश्चित तौर पर उसे धोखा दिया होगा अब ये तुझे दे रहा है तू जरूर छिना के ले गया होगा पिछले जन्म में तो ये अब तुझसे छिना के ले गया एवरी वर्क माय डियर जो भी आप करते हो अथवा जो भी आपको फल मिलता है वो आप ही के कर्म का फल मिलता है बोलो राधे राधे
कोई आपको सुख नहीं दे सकता, कोई आपको दुख नहीं दे सकता। जो भी आपको मिल रहा है आपके कर्मों का ही है कि नहीं? बोली है कि नहीं? बोली है कि नहीं? तो कर्म सुधार लो, फल सुधर जाएगा। कर्म बिगड़ गए तो फल भी बिगड़ जाए। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हमारे बीच में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में है, तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी के। और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, और साथ में हमारे दिवंग दुनिया के चेयरमैन वाधवानी जी, और मैं निवेदन करूंगा हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी दो शब्द आप सभी जनता जनार्दन को देंगे, और साथ ही साथ हो सके तो एक भजन भी आपको श्रवण कराएंगे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी। प्रवीण कार्यबाजी मंच पर आ जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। व्यासपीठ पर विराजित बहुत ही सौम्य मधुर, और ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की कथा करते करते स्वयं भी कृष्ण जैसे दिखने लगते हैं, ऐसे ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में वंदन करता हूँ। किशोर भाई का आग्रह था कि आज ही आना, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे बड़वाहा जाके और वापस शाम की फ्लाइट से कलकत्ता निकलना है, पर आग्रह में टाल नहीं पाया। मैंने कहा ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, भक्तों के दर्शन हो जाएंगे, संत और भक्त एक साथ मिल जाए तो समझ लो भगवान मिल गए। तो मेरे लिए तो भगवान के दर्शन का आग्रह था किशोर भाई का। तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी को वंदन करता हूँ, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हमारे ऐसा माना जाता है कि आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे फिर से। तो आप जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं सबके घर में आने वाले वर्ष में खूब मांगलिक कार्य, और हमको भी बुलाएं, लड्डू वड्डू खिलाएं खूब, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार फिर से कथा के बीच में मैं आया हूँ, व्यवधान किया मैंने, तो मैं सीधे ठाकुर जी से निवेदन करूँगा कि मंच आपको ही, और पूरे इंदौर की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से दोनों हाथ ऊपर करके तालियाँ बजा कर जरा ठाकुर जी का अभिनंदन कर दें। दबंग दुनिया के 5 वर्ष पूरे हो गए। अच्छा, तो मेरे किशोर भाई आपकी और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, जैसा नाम है वैसे ही आपका काम भी रहे और दबंग दुनिया भोग दबंग तक से आगे बढ़ता रहे। किशोर भाई कह रहे हैं एक भजन सुना देता हूँ। अच्छा, ये पंडाल तो पहले दिन छोटा पड़ गया, लंबा करना पड़ेगा इसको आपको? नहीं, ये कल पहले दिन छोटा पड़ गया, लंबा किया, फिर आज फिर छोटा पड़ गया। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे रानी लागे हो मने खरो खरो जमना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे।
पीछे भी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां जरा, पीछे भी। जमुना मैया, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में हो, वृंदावन में धूम मचावे बरसने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसने की चोरी, रज दाम राधा जू को जय हो, रज दाम राधा
ठाकुरदेव भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। अभी अभी तो यहाँ भजन सुन रहे हैं आप, और कैलाशी 8 तारीख को वृंदावन आ रहे हैं। नहीं नहीं, ताली मत बजाओ, ये तो ऑलरेडी हमारा, इन्होंने हमसे कहा हुआ है, पहले ही कह दिया है 8 को आ रहे हैं। और अभी ये किशोर भैया के कहने से आए, आज मेरे कहने से नहीं आए, और एक दिन फिर मेरे कहने से ये आएंगे और आपके मध्य में एक दिन और उपस्थित रहेंगे। सभी जोर से बोलेंगे, उपस्थित हो जाएं सभी अपने अपने स्थान पर, और एक बार जोर से बोलें। जैसा कि अभी आपको पता लगा, दबंग दुनिया जो न्यूज़पेपर है, आज उसको 5 साल हुए हैं, तो हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा न्यूज़पेपर, जैसे आज मैंने देखा कि सारे पेपर में मैं चमक रहा था आज, तो भगवान करे ऐसे हमारे देश में ऐसी प्रेस हो जो धर्म को उतनी प्रमुखता दे, जिससे हमारे समाज की बुराइयां दबें और अच्छाई का इतना प्रचार प्रसार हो, और दबंग दुनिया न्यूज़पेपर खूब 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 सारी तरक्की करे। और मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था खूब सारे न्यूज़पेपर आप लोग दबंग दुनिया को अपने घर में मंगाया करिए, और शायद आप बहुत लोगों ने इस बात को सुना भी था। राधे राधे बोलेंगे जोर से एक बार। आइए कथाक्रम प्रारंभ करें, जहाँ पर हमने प्रसंग आप बीच में भजन प्रारंभ हुआ वहीं से शुरू करें, ध्यान रखें। माँ बाप तब उदास होते हैं जब बच्चे परेशान होते हैं, और हमारा सच्चा पिता परमात्मा श्री कृष्ण, जब हम अपने कर्म की वजह से दुख पाते हैं, हमारा कर्म ही है जो हमें दुख देता है, सुख देता है। भगवान सुख दुख नहीं देता। रामायण में कितना अच्छा प्रमाण है, काहू न को सुख दुख कर दाता। इस संसार में न तुम्हें कोई सुख कर दे सकता है, न कोई तुम्हें दुख दे सकता है। सारे कर्मों की जितना भी आपके पास है, उस सब की जिम्मेदारी आपके पास है, आपने खुद ने ऐसा किया। जब हम और आप ऐसा कर्म करते हैं, उसी का फल तो भगवान से कृष्ण सोच रहे हैं कि ये कलयुग का जीव बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में भटक रहा है, कष्ट पा रहा है, तो इसके कष्टों से इसकी मुक्ति कैसे हो। संसार में बार बार के आवागमन से ये मुक्त कैसे हो। और जब तक ये मुक्त नहीं होगा, तब तक ये प्रसन्न नहीं होगा। भाई आपके जीवन में कोई दुख आ जाए, जैसे ये संसार में हमारा अगर बार बार जन्म होता रहा, बार 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 जन्म होता रहा, मृत्यु होती रही, इस संसार का नाम क्या है? इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। मदिरालय में जाओगे मदिरा मिलेगी, भोजनालय में जाओगे भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में जाओगे वस्त्र मिलेंगे, विद्यालय में जाओगे विद्या मिलेगी, दुखालय में जाओगे तो दुख मिलेंगे। अब गलती तो हमारी है, कोई मदिरालय में जाके कह दे कि हमें दूध दे दो, विद्यालय में जाके कह दे कि हमें वस्त्र दे दो, वस्त्रालय में जाकर कह दे मिष्ठान दे दो, तो गलती किसकी है? आए हम दुखालय में हैं और मांगते क्या है? हे भगवान हम सब सुखी हो जाए। हाँ, कोई थोड़ी बहुत अगर विद्यालय में थोड़ा बहुत भोजन रखा हो तो मिल जाएगा, वैसे ही दुखालय में भी थोड़ा बहुत सुख है। वो सुख क्या है? बोले भगवान के नाम में ही सुख है, बाकी किसी में सुख नहीं। ये सुख नहीं था, अभी भजन हो रहा था और क्या पूरा पंडाल झूम रहा था, ये सुख नहीं, ये आनंद नहीं। इस आनंद की क्या कॉस्ट लगाओगे आप? ये न मिटने वाला है, जिसके नाम में इतना आनंद है, जिसके नाम में इतना प्रसन्नता है, जब वो सामने खड़ा हो जाए तो फिर क्या हाल होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर हो, कितना सुंदर है, उसके नाम में देखिए कितना आनंद था। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन विन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पैसे वाले भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं। गरीब इसलिए दुखी है पैसा नहीं है, पैसे वाले इसलिए दुखी है पैसा तो है,
लेकिन इतने शरीर में रोग लगे हुए हैं, बिना टेबलेट खाए तो नींद नहीं आती। अब ऐसा सुख भी किस काम का जो नींद भी बुलाओ तो पहले टेबलेट खाओ। अब बताइए कितने धनवान ऐसे लोग हैं जो मीठा नहीं खा सकते, रोटी चिपड़ के नहीं खा सकते। गरीब भी चिपड़ के नहीं खाता, क्यों? उस पर चिपड़ने के लिए घी नहीं है। अमीर इसलिए नहीं खा सकता कि टाइम से पहले मर जाएगा। कितना इक्वल बनाया मेरे ठाकुर ने दरबार, देखो क्या प्यारे, क्या गजब की लीला है। अमीर गरीब पे है नहीं इसलिए नहीं खा सकता, और अमीर पे है लेकिन ऐसी समस्या उसके साथ दे दी है कि है लेकिन दूसरों को खिला, खुद मत खा। तुम्हारे कर्म तुम्हें सुख दुख देते हैं, कोई और नहीं दे सकता। कर्म श्रेष्ठ होंगे, तुम सुखी हो जाओगे। श्री कृष्ण सोच रहे हैं दुखालय में जाके ये सुख की इच्छा रखते हैं तो सुखालय में, वो दुखालय में सुख मिलेगा कहां? बोले कोई हमारा नाम दिलाए नहीं याद, इन्हें कोई सच्चा मार्ग दर्शन करा दे, कोई इन्हें बता दे कि सुख कहां है, कोई ऐसा दूत चला जाए जो इन्हें बता दे कि सच्चा सुख कहां है। भजन सुना है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, कहां मिलता है, कहां मिलता है, वो भी सच्चा झूठा नहीं। मैं भजन गा नहीं रहा हूं क्योंकि आज लगातार दो भजन आपने सुन लिए, अब दो घंटे कथा सुनो लगातार। मिलता है सच्चा सुख कहां? भगवान तुम्हारे चरणों में, सिर्फ भगवान के चरणों में सुख है और कहीं नहीं है। और आप कहां बैठे हो उस समय? भगवान के चरणों में ही विराजमान हो इस वक्त, इसलिए यहां सुख है, इसलिए यहां इतना आनंद है। यहां सुख नहीं, सुख का सागर है। देखो पीछे तक कोई आगे बैठा है वो भी सुखी है, कोई पीछे बैठा है वो भी सुखी है, अभी भी लोग धूप में बैठे वो भी सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि न धूप की चिंता है न छांव की परवाह है, सबको एक ही बात में आनंद आ रहा है कि हम ठाकुर के चरणों में बैठे हुए हैं, हम गोविंद के चरणों में बैठे। ये निष्ठा है, ये निष्ठा, ये सोच, ये विश्वास आपको सुखी कर रहा है, आपको आनंदित कर रहा है। भगवान ने सोचा हमारा कोई दूत जाए और वो दूत जाके हमारा संदेश इनको सुनाए, तब आनंद आएगा। तो श्री राधा रानी के प्रिय भक्त श्री सुक, सुक मीन्स तोता। आप देखेंगे जहां भागवत होती है वहां सुखदेव जी विराजमान रहते हैं तोते के रूप में। अब सुखदेव तो फिर सुखदेव मुनि तो ऋषि रूप में थे तो उनको विराजमान कराना चाहिए, उनका एक प्रतिमा बना में वो विराज नहीं, सुक मीन्स तोते के रूप में हमेशा उपस्थित होते हैं। जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां सुख आपको जरूर दर्शन देते हैं। तो मेरे प्यारे श्री राधा रानी के प्रिय भक्त सच्चे उपासक श्री सुखदेव जी के संदर्भ में यह कहा जाता है कि राधा रानी के बड़े ही सच्चे उपासक थे। कैसे? बहुत से लोग कहते हैं भागवत में तो राधा नाम ही नहीं है, और ये देवकी नंदन है कि राधे राधे के बिना इसका काम नहीं चलता। बहुत से लोग हमारी निंदा करते भागवत में राधे राधे है नहीं, और ये राधे राधे ही बुलवाते रहते हैं। राधा राधा नाम लिया क्यों नहीं सुखदेव जी ने, क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिर्फ राधे कहते ही उनकी समाधि लग जाती है, इतने परम भक्त हैं वो। रा कहा समाधि लग गई, ध्यान मग्न अवस्था, अभी सुधि नहीं है। अब परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनानी, अगर समाधि लग गई तो उस बेचारे का क्या होगा? दूसरों का काम करना हो ना तो कभी कभी अपनी राह बदल लेनी पड़ती है, तब जाके दूसरों का काम होता है। आपको अपना काम करना, आप अपने काम से अपनी लाइन पे अपने मार्ग में चलते चलो, लेकिन दूसरे का परमार्थ करना हो तो कभी कभी राह बदल के दूसरों का कल्याण करना पड़ता है।
सुखदेव जी महाराज ने इसलिए राधे नाम जो मैंने संतों के मुंह से सुना इसलिए नहीं लिया, क्योंकि उनकी समाधि लग जाती तो 7 दिन में कथा पूरी नहीं होती, और परीक्षित अटक जाता बीच में बेचारा, उसे तो 7 दिन की जिंदगी जीवन है उसका, बस ओनली 7 डेज। फिर इसलिए राधा, और हम और आप तो इतने अच्छे उपासक हैं नहीं, राधा रानी की बोले राधा राधे कहे तो समाधि लग जाए। अरे हमारे पूरे बैंड बजवाते रहो तो समाधि न लगे हमारी, हमने तो ऐसा कुछ खा रखा है अंदर। पर हां, राधे नाम की महिमा परंपार है। ब्रह्मा जी करोड़ों वर्ष तपस्या कर ले, अगर राधा रानी न चाहे तो राधा रानी के चरण के अंगूठे के नाखून का दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं होगा, चरण के अंगूठे का दर्शन नहीं होगा जब तक स्वयं राधा रानी कृपा न करे। इतनी दिव्य शक्ति है, सुपर पावर है, उनसे ऊपर कोई नहीं। तो उन राधा रानी का नाम लेकर ये देखिए कितना सुंदर वातावरण बन जाता है। ऐसे सच्चे उपासक श्री सुख, उनको भगवान ने हम सबके कल्याण। और एक बात बता दूं, दो लोग नहीं होते तो भागवत नहीं मिलती तुमको। एक सुख जैसा वक्ता ना हो और परीक्षित जैसा श्रोता ना हो। परीक्षित क्या गजब के श्रोता हैं, सुखदेव जी जैसा वक्ता कहू क्या, हाँ कह दे तो भूतो न भविष्यति, पहले हुआ नहीं बाद में होगा नहीं। मैं सोच में पड़ गया कहीं ऐसा ना हो कि अतिशय युक्ति हो जाए, लेकिन ये सच है, ये अतिशय युक्ति नहीं है। उन जैसा वक्ता नहीं हो सकता कोई, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होगी। अगर तुलना करेंगे, अगर हम लोग एक दूसरे का तुलना करें तो सुखदेव जी जैसा वक्ता नहीं। 16 साल की उम्र में क्या गजब का मोक्ष दिला दिया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। त्याग की बातें नहीं करते, प्रत्यक्ष त्याग की मूर्ति है। एक लंगोटी तन पे नहीं, एक लंगोटी, न रोटी की चिंता, न लंगोटी की चिंता, न सोटी की चिंता, किसी की चिंता नहीं। और जो चिंता न करे वो चिंतन कैसे, वो जो चिंता कर कैसे सकता है। जो 24 घंटे चिंतन में ही मग्न रहता हो उसकी चिंता तो अपने आप दूर हो जाती है। आजकल के श्रोता वैसे हैं क्या? नहीं है ना। इंदौर के श्रोता बहुत सीरियस है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतने भी नहीं जितनी मैं बोल रहा हूं। 6 बजे तक भी आएंगे, 5 बजे तक भी आएंगे, और आरती से पहले कहीं देखेंगे निकले क्या, पानी भी भर के लाएंगे। 4 घंटे बैठा लोगे महाराज, थोड़ा टाइम लगे ना पी ले। 7 दिन तक पानी नहीं पिया परीक्षित ने, एक बूंद नहीं। 7 दिन तक उठे नहीं परीक्षित, एक क्षण के लिए नहीं। परीक्षित जैसा श्रोता नहीं हो सकता। 3 घंटे में ही गर्दन दुख जाती है, और वो 7 दिन तक बिना रोक टोक, बिना उठे बैठे, बस बैठे। एक बार ऐसे बैठे कि अब सिर्फ मृत्यु के ही पास गए, उसके बाद कहीं और जाना ही नहीं। तो सुखदेव जी जैसा कोई कथाकार कैसे हो सकता है, उन जैसा कोई ज्ञानी त्यागी कैसे हो सकता है। उनको तो एक लंगोटी की भी चाह नहीं, और चले गए थे वो तो अभी बताएं वही कथा। तो सुखदेव जी महाराज, सुख जो राधा रानी के प्रिय भक्त हैं, उनको कहा श्री सुख जन कल्याण के लिए भगवान का सानिध्य त्याग कर हम सबके कल्याण के लिए वो इस भूमंडल पर आने के लिए तैयार हुए। किसके कल्याण के लिए? फिर कह रहा हूं, अगर सुखदेव जी ना होते और परीक्षित ये दो ना होते तो तुम्हें भागवत नहीं मिलती कभी। अब तक ये भागवत भगवान के धाम में, शिवजी के पास में, वहां तक सीमित थी, लेकिन आज पहली बार सुख निकले हैं जन कल्याण के उस अथाह इतने बड़े विचार को लेकर। सुख पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पार्वती मैया से कोई चर्चा हो रही बाबा भोलेनाथ की, और वहीं उसी चर्चा में, देखिए घर में भी चर्चा ऐसा नहीं होना, आजकल का माहौल बड़ा विचित्र हो। माताएं अगर जैसे दिन में भाई लोग काम पे चले जाते हैं, घर में माताओं की चर्चा क्या होती, सही बताओ। वो देखा नागिन,
अब नागिन खा जाएगी उसे, अब नहीं छोड़ेगी नागिन। अब तो घर में पूछ कुंसी नागिन कौन है खा रही है, टीवी वाले ने तो पैसा कमाना, पर तू सोच। नागिन नागिन खा रही है, तेरे बुरे विचारों की जो नागिन है वो तेरे जीवन को धीरे 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 खा रही है, स्लो पॉइजन दे रही है तुझे। कौन कौन सीरियल देखते हैं, कथा सुनने वाले लोग हाथ उठाइए, जो जो सीरियल, बाप रे। नहीं 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 नहीं, जो जो सीरियल देखते हो हाथ उठाइए, सुनिए, कथा 7 दिन, सीरियल एवरीडे, असर किसका ज्यादा होगा, झूठ मत बोलना। और फिर कहते हो कथा हमें कुछ देती नहीं, मुझसे ज्यादा तो उनसे ले लेते हो, नागिन से बजाइयो ने, नागिन बजे भैया, बस बस बस। बारात में तो नागिन, शादी में नागिन के बिना शादी नहीं होती, ये बजेगी। कथा में तो नागिन, घर में तो नागिन, नागिन भाई की मुसीबत है गई, पीछे पड़ गई, नागिन 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 नागिन, क्या है नागिन भाई। हाँ ठीक है, सीरियल ज्यादा देखोगे विचार को कंट्रोल में नहीं कर सकते, गारंटी से कहता हूं। किस किस में हिम्मत है बुराई का परित्याग करने के लिए आज, कौन कौन ये प्रॉमिस करता है कि आज के बाद सीरियल नहीं देखेंगे। जो जो ये प्रॉमिस करने की हिम्मत रखता है कि आज के बाद सीरियल नहीं, सिर्फ टीवी पे सुनेंगे तो भगवान की कथा ही हम लोग सुनेंगे, इसके बाद कोई सीरियल वगैरह हम नहीं देखेंगे, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा। वेरी गुड, धन्यवाद, आपने इतना सम्मान रखा मेरी वाणी का, उसके लिए भी साधुवाद। मैं गारंटी से कहता हूं जिस दिन सीरियलों की टीआरपी घट जाएगी और जिस दिन कथाओं की टीआरपी बढ़ जाएगी उस दिन तेरे घर में सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उस टीआरपी को घटाने बढ़ाने वाले आप लोग सब दुर्भाग्य है कि 3 से 6, 7 कथा और 7 बजे के बाद। दो नाव में पैर हैं कि नहीं बोलो, यहां नागनथैया की कथा 3 से 7 और मां नागिन चल रही 7 बजे के बाद, वो तेरी शुरू। नाग नहीं, वो फलानी ये थी, फलानी वो थी, देखा उसने चौथा शादी कर लिया, तू कर ले दूसरी, कब रुक रो है तू, करके देख ले, एक के मार पता ना है, सबरे चले गए, आंखें तो कम दिखे, अटैक पर वो अटैक, और कहा चाहिए एक के मारे बजे। जितनी बार कथा सुनोगे आपका माइंड अच्छाई को कैच करेगा, और जितना अच्छाई कैच, आज समाज में प्रदूषण है, वातावरण में नहीं, समाज में प्रदूषण है, किसकी वजह से, क्योंकि हमारा दृश्य बिगड़ गया है, दर्शन बिगड़ गया है। दर्शन सुधर जाएगा जीवन सुधर जाएगा, तो दर्शन सुधारो, श्रवण सुधारो, वाणी सुधारो, ये 3 चीजों को सुधार लोगे गारंटेड कल्याण होगा मेरे प्यारे। मैंने आज सीरियल छुड़वाए कई लोगों के, आज के बाद टीवी मत देखना, तुमने कथा पंडाल में प्रॉमिस किया, कोई सीरियल नहीं। किस किसने प्रॉमिस किया कि हम सीरियल नहीं देखेंगे आज के बाद, ऊपर करो ना, फिर शर्मा क्यों रहे हो, आधा प्रॉमिस है क्या, बोलो हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद कोई सीरियल नहीं देखेंगे अपने लाइफ में, जोर से बोलो हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद कोई सीरियल नहीं देखेंगे लाइफ में, कर लो, उम्र भी होली अब तो, बोलो प्रॉमिस करो सब, बोले हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद कोई सीरियल नहीं देखेंगे, सिर्फ कथा सुनेंगे। अब ले बेटा तेरी घटवा दे टीआरपी, राधे राधे बोलना पड़ा।
सच बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा असर तुम्हारी लाइफ में पड़ने वाला है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो मेरे प्यारे, शिव जी के पास सुख पहुंचे और वहां कथा चल रही थी, अमर कथा। संयोग देखिए, जब शिव जी के पास में पहुंचे तो उस कथा को जब बाबा भोलेनाथ कह रहे थे, कथा जब हो रही थी तो पार्वती मैया सो गई। पार्वती मैया बीच कथा में, आपने कई श्रोताओं को देखा होगा, उनसे कथा छूटी जाती है, या तो लेट आएंगे या फिर पहले चले जाएंगे या एक दो दिन मिस कर देंगे। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं, कई लोगों को इस बात में लगता है पहले दिन भागवत का महात्म होगा, पहले दिन नहीं दूसरे दिन से, क्योंकि कल इतने लोग नहीं थे जितने आज हैं, है ना, और आज उतने नहीं है जितने कल होंगे। बजे ये ही हमारी मानसिकता है, अभी एक दो दिन निकलने दो, सात दिन कथा है ना, चलेंगे एक दिन। अधिकांश बोले नंद महोत्सव में, फिर बोले रुक्मणी विवाह में, फिर बोले आखिरी दिन। यह है आपकी कथा सुनने की शैली, पहले रोटी खा ले, दाल बाद में ले ली, अभी दाल पी ले, रोटी थोड़ी दो घंटे बाद खा ली, ये है। अरे भोजन करने बैठे हो तो थाली में दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, और तो थोड़ा बहुत वो जो पतला होने के लिए आप सलाद बलाद खाते हो तो नहीं रहे हो मुझे पता है, फिर भी ट्राई तो कर रहे हो ना आप, वो भी चाहिए। अरे मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खूब ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, क्या करूँ मैं अब, पता है अभी इंदौर आ रहा था कल सुबह मॉर्निंग में, तो एक माता जी मिल गई, उन्होंने दिल खुश कर दिया, एकदम मेरी जस्ट सीट के पीछे बैठी हुई थी, क्या गजब की बात उन्होंने कही, हाय महाराज, हाय महाराज, मैया काके, बोले महाराज मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी आपको पहचानने की, पर टीवी पे आप मोटे दिखती हो ना, तो मैं कंफ्यूजन में थी कि आप रियल में तो इतने मोटे नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरे हो। अरे मैं फ्लाइट की बात इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि मैं फ्लाइट से ही आया हूँ, ये थोड़ा रोक चलता है ना, लेकिन पीछे वाली सीट पे, आगे वाली पे नहीं, ऐसा नहीं, जिससे ठाकुर जी जिस साधन से भेजते वो तो एक प्रतिक्रिया है, लक्ष्य आप तक पहुंचने का है। तो ट्राई तो मैं भी कर रहा हूं, सलाद बलाद खा के कुछ घटा लूं, पर घटा नहीं, घटता ही नहीं, बल्कि जब भी एक बार के बाद दोबारा तुलो तो कुछ बढ़ता ही मिलता है, घटता नहीं मिलता। लेकिन मेरा अभिप्राय क्या था कि जब भोजन करने बैठे तो सब चीज साफ चाहिए ना थाली में, ऐसा तो नहीं इसको बाद में ले लेंगे बाद में, ऐसा नहीं होता है। ठीक वैसे ही जब आप कथा सुनने जाओ तो सात दिन सुननी है आपको, एक दिन निकल जाने दो तब सुनेंगे ये ठीक नहीं, दो दिन निकल जाइए तब सुनेंगे नहीं ठीक नहीं, कथा सुनना है तो पूरा सुनो सातों दिन, और फिर उसका असर देखो अपने जीवन में, फिर चमत्कार देखो उसका। जिसने सात दिन लगातार श्रद्धा से कथा सुन ली, मैं दावे से कहता हूं उसके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा गजब का परिवर्तन होता है मेरे भाई बहन, ये सच है। तो पार्वती मैया सो गई, लेकिन सुख पहुंचे थे तो सुख नहीं सोए, वो कथा सुन रहे हैं। हा हा हा, क्या बात है, श्रोता हो तो सुख जैसा, सुख विकलित अंडे के रूप में वहां मौजूद थे। बाबा ने पार्वती माँ से कहा था, देख के आओ कोई और तो नहीं तुम्हारे सिवा, ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। बाबा ने कहा, माँ देख कर आई लेकिन विकलित अंडे पर उनकी नजर नहीं पड़ी, और बाबा भोलेनाथ कथा शुरू कर दिए और माँ पार्वती जी सो गई। और एक बात ध्यान रखना, जिनके कर्म ठीक ना हो उनसे कथा छूटती, कर्म मीन्स कभी न कभी कोई कर्म ऐसा हो जाता है जिसके वजह से हमारा पूरा सात दिन का अनुष्ठान हम लोग श्रवण नहीं कर पाते हैं। बोले महाराज पार्वती जी के लिए भी कुछ ऐसा क्यों कह रहे, पार्वती जी मैया से भी तो कथा छूट गई थी, अब देवी देवताओं की बात आप मत करिए, उनकी अपनी कोई लीला रही होगी सोने की,
वैसे पूर्व जन्म में कौन है पार्वती मैया बताइए, जोर से बोलिए। सती जी से क्या गलती हुई? कथा में ही मन नहीं लगा, राम कथा में, राम पर ही विश्वास नहीं हुआ, फिर पति पर विश्वास, झूठ बोला पति को, पति की बात नहीं मानी। जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं, धर्म देवियों पर चलता है, इसलिए भगवान पर कभी दो लोगों पर नहीं, दो लोगों पे कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए, एक गोविंद पर और एक गुरु पर। आंख बंद करके अपने इन दोनों पर भरोसा करो। बहुत से लोग आजकल गुरु पे बहुत उंगलियां उठाते हैं, और आजकल के कुछ ज्ञानी भी महात्मा ऐसे आ गए, ज्ञानी मतलब सॉरी कैसे बोल रहा हूँ, कई लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं नहीं, वो आजकल गुरुओं में भी अर्थ करने लग गए। मैं यही बात समझता हूँ, गुरु वही जिसने तुम्हारे जीवन में तुम्हें भगवान का नाम दे दिया, और जिन्होंने तुम्हें भगवान का नाम दे दिया है, उस नाम को तुम संजो के रखो अपने मन की माला में, मोती में, और उसे जीवन भर उसका पालन करो। गारंटी से कहता हूं, गुरु का कर्म चाहे जैसा भी हो, तेरा बेड़ा पार होगा। विश्वास रखो। क्या श्लोक है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुम वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, भगवान का गुरुदेव की छवि ही ध्यान करने योग्य है। पूजा मूलम भगवान गुरुदेव के चरण ही पूजा के सबसे बड़े देवता हैं, उन्हीं के चरणों की पूजा ब्रह्मांड की प्राप्ति समझ लो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने जो कह दिया वही आखिरी शब्द है, पत्थर की लकीर है। फिर इन तीनों को फॉलो कर ले तो बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा, निश्चित तौर पर मोक्ष मिलेगा, तेरे गुरुदेव कृपा कर देंगे और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो पति से झूठ, पति जी, पति ने पूछा कैसे परीक्षा ली, तो झूठ भी बोला, पहले मानी नहीं, पहले तो नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही मेरे इष्ट देव हैं, नहीं आया यकीन। तो बाबा भोलेनाथ बोले एक काम करो, तुम्हें अगर संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। ये परीक्षा वाली बात आजकल भी समझ में जल्दी आ जाती है, कुछ नहीं जानते वो भी आकर ऐसा क्वेश्चन करेंगे, सुदामा के पिताजी का नाम क्या था? शादी करनी है उनकी तुझे? भाई हमारे मतलब के सुदामा जी हैं, सुदामा जी की मित्रता उनसे हुई। बोले नहीं, एज फॉर नॉलेज, ये नॉलेज के लिए नहीं पूछ रहे हो आप, ये पूछ रहे हो आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अपनी विद्वत्ता साबित करने के लिए कि आप विद्वान हैं, सामने वाला नहीं है उसे नीचे दिखाओ। तुम्हारे मतलब का सुदामा जी है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया है, सुदामा की कथा सुनाओ। वो फलाने जी सब अब सबरी की माता जी की माता जी की माता जी की नानी का नाम ले, इतना तो तुलसीदास बाबा ने नहीं लिखा, अब हम कहां से ढूंढे उसकी नानी कहां है? ऐसे थोड़ी होता है भाई, शास्त्रों में उन्हीं लोगों का वर्णन किया गया है जो लोग समाज के लिए उदाहरण है। बात पे ध्यान दीजिए, जो समाज के लिए एक उदाहरण है, जो समाज को अपने चरित्र से एक रास्ता मार्ग दिखा सकते, रास्ता दिखा सकते, उनका वर्णन रामायण में, भागवत में, ग्रंथों में उपलब्ध है। अब किंतु परंतु में, अब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे मन में संदेह तो जाके परीक्षा लो। अब ये बात समझ में आ गई और परीक्षा लेने चली गई। तो बाबा ने कहा, तो बहुत ये कई चीजें थी जिनकी वजह से माँ पार्वती, शायद मैं भी संतों के मुंह से सुना, जिनकी वजह से उनसे कथा छूट गई। अब हमारी कथा क्यों छूट जाती है? क्योंकि हम लोग भी तो धर्म में कभी कभी अश्रद्धा करते हैं। हमारी कथा क्यों छूट जाती है? हम भी तो किसी की बात नहीं मानते। हमारी कथा क्यों छूट जाती है? हम भी तो निंदा करते हैं धर्म की, धर्म से जुड़े हुए लोगों की, इसलिए हमारी भी कथा छूट जाती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, इसलिए छूट जाती हमसे कथा।
पार्वती माँ से छूट गई लेकिन सुख से नहीं छूटी। विकलत अंडे के रूप में सुख माँ मौजूद है, वो पूरी कथा सुन रहे, सुनते गए सुनते गए सुनते गए। और जब कथा पूरी होने को थी तब पार्वती माँ की आँख खुली, नेत्र खुले। माँ ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले तुम सो तो नहीं गए? बोले नहीं सोई नहीं, झपकी लग गई थी। झपकी लग गई तो ये अहंकार कौन भर रहा था? तो देखा सुख कथा सुन रहे पूरी। वाह, बाबा के नैन भी सजल हुआ है। जीवन कोई भी हो, लाइफ कोई भी हो, बस भगवत रंग में रंगी हुई होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि तुम पशु हो कि तुम इंसान, अगर पशु भी होकर पक्षी भी होकर भगवान के बन जाओ तो क्या बात है। कितने इंसान हैं जो मानव जोनी में तो है लेकिन भगवान से उनका कोसों तक नाता नहीं। उनको तो जीवन में यही लगता है बस अच्छी जगह का खाना खा लो। मैंने हाँ एक बात कल मुझे सुनने को मिली, इंदौर के लोग खाने में सही है क्या? हाँ दिख रहा है वैसे आपके, जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। तेरा तुझको अर्पण, जो भी भेजोगे प्रभु, हमारे हमारे गांव ब्रज में तो ऐसा कहते जैसो दोगे वैसो पाओगे। कितना बड़ा भाव है। सूखी रोटी दोगे तो पहले तुम ही खाओ, तेरे ही भोग लगाएंगे, ले खा ले। चुपड़ के देखो ले तो चुपड़ के खो। अब हमें रोग लगा दिया कि तेरे शुगर हो गई तो फिर हम मीठा भी नहीं खाएंगे, तुझे भी नहीं खिलाएंगे। हमें शुगर थोड़ी हुई, हम तो ये समझेंगे तुझे भी शुगर ही हो गई, जैसा हमारे सामने आएगा वही ना भोग लगाएंगे। ये नरसी का भाव है, ये ब्रजवासियों का भाव है, जैसो दोगे वैसो पाओगे। ये भाव रखना चाहिए, बड़ा मीठा। तो भगवान जो भी दे सबसे पहले उसका भोग लगाओ, ले तो प्रभु तेरे भोग लगेगा। तो ऐसा भाव कथा नहीं सुन पाई, सुख सुन रहे पूरी कथा, बाबा के नैन सजल हो गए। श्रोता हो तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि वो पक्षी है कि वो कैसा है। कथाकार को श्रोता अच्छा मिल जाए तो कई कथाकार, मैं हम अधिकांश कथाकार श्रोता को देख देख के कथा करते हैं। जैसा श्रोता होता है वैसी कथा उनके मुख से अपने आप निकलती रहती है। आप 15 मिनट लगातार बोल के दिखाओ कितना अनाप शनाप बोल दोगे। कथाकार 3-4 घंटे लगातार बोलते हैं और एक भी शब्द अनाप शनाप नहीं निकलता। ये ठाकुर बुलवाता है, कोई इंसान नहीं बोलता। मैंने शुरू में कहा था जितने भी कथाकार है सब भगवान के दूत है, सब भगवान के दूत है, स्पेशल दूत है। और मैं तो एक बात और कही थी पहले कथा में, ये जितने भी कथाकार है सब भगवान के पिए हैं, पिए मंस प्रिय हैं। अब ये कथाकार के भगवान को प्रिय नहीं होंगे, एक ही कथा पंडाल में हजारों हजार लोगों को भगवान की कथा सुनाते हैं। आप एक बार राधे राधे बोलते हो, हजारों नाम एक बार निकलते हैं, क्या भगवान को ऐसे भी लोग प्रिय नहीं होंगे क्या? और अगर ऐसे लोग प्रिय नहीं होंगे तो फिर भगवान की भक्ति में या भगवान की दयालुता में कोई ना कोई खोट है फिर। अरे भले हैं बुरे हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई बिलीव दैट यू आर परफेक्ट, दिस इज योर वर्क, यू मेक मी परफेक्ट माई डियर। आप मुझे अच्छा बना दीजिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। पापो हम पाप कर्मा हम, मैं तो पाप से पैदा हुआ हूं, जीवन भर पाप कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा था, करूंगा, लेकिन फिर भी इतना याद है तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। ये भाव रख के चलिए। तो कथा पक्षी सुखदेव ने सुनी, सुख ने सुनी, और जब सुख ने सुनी तो लेकिन चोरी से, अब जो इंदौर में कथा टीवी पे समय सुन रहे वो चोरी कर रहे नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे कि नहीं? जिनकी पहुंच में है इंदौर और वो अगर यहां नहीं पहुंच रहे हैं तो वो चोरी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो महाराज पंडाल आपका दूसरे दिन फिर से कम पड़ गया और आप हमें बुला रहे हो, तो थोड़ी सी धूप में बैठकर भी सुनोगे, लेकिन सुनोगे तो कथा पंडाल में ना, थोड़ी सी कठिनाई से भी अगर आप कथा सुनते हो तो जानते हो व्यासपीठ के सामने कथा सुनने का फल क्या होता है।
आप लोग हजारों बार टीवी पे कथा सुनते हो, बताओ टीवी पे कथा सुनने में ज्यादा आनंद आता है कि यहाँ? जोर से बोलो, कैसे? जो व्यासपीठ आपके यहाँ सजी हुई है, जिस व्यासपीठ की नित्य पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है, आरती होती, क्या ये व्यासपीठ साधारण पीठ है? आपको लगता है ये साधारण पीठ है? जिन वेद मंत्रों से इस व्यासपीठ का पूजन होता है, जिस व्यासपीठ पर बैठकर श्री व्यास जी महाराज भगवान की कथा का उच्चारण करते हैं, क्या ये साधारण है? नहीं। बिजली के सामने जाओगे प्रकाश मिलता है, व्यासपीठ के सामने जाओगे भगवत कृपा का एहसास होता है, साक्षात कृपा का एहसास होता है। बस सामने जाके बैठो, कहीं भी स्थान मिले, अगर शुद्ध बुद्ध खो के मन लगा के कथा सुनो तो मैं दावे से कहता हूं तुम्हें इसी 7 दिन में मेरे कान्हा का दर्शन यहीं कहीं इसी मंच पे या इसी पंडाल में होगा। ऐसा दावा ब्रजवासियों को छोड़ के कोई कर नहीं सकता, इतना भी बोल रहा हूं। ये विश्वास किसके व्याप पर है हमें? ये विश्वास हमें हमारे व्याप पर नहीं, उसके प्रॉमिस पे हमें विश्वास है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है, वो सत्य बोलता है। अब उसका उद्घोषण क्या है बताऊं कि नहीं? हैं बताए, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत गायन्ति तत्र स्थामि। जहां मेरे गीतों का गायन होता है, जहां मेरी कथाओं का गायन होता है, मैं उस जगह पर निश्चित तौर पर उपस्थित होता हूं। ये भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कहते हैं। अगर वो तुम्हें यहां नजर ना आए तो समझना वो झूठा है, या तो तुम झूठे हो या वो झूठा है, हम नहीं। तुम्हारी भक्ति में कमी हो गई इसलिए नजर नहीं आया, और भक्ति भी परफेक्ट है फिर भी नजर नहीं आया तो वो झूठा। हम कहां से, हम तो उसकी बात को आप तक बोल रहे हैं, समझ गए? अब वो झूठा हो नहीं सकता। भागवत में लिखा है सत्यम परम धीमहि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अगेन लास्ट में सत्यम परम धीमहि आदि मध्यंत, जहां सत्य के सिवा कोई और चर्चा नहीं है, ऐसा भागवत ग्रंथ जब ऐसी घोषणा करे तो इसका मतलब है कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मौजूद हैं, पर उस जगह सबसे पहले मौजूद हैं जहां पर भगवान की कथाओं का गायन होता है। बस देखने के लिए नजरें चाहिए मेरे प्यारे, नजारे बहुत खूबसूरत हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान दिखते हैं और शिशुपाल को कृष्ण माखन चोर छलिया लंपट और पता नहीं क्या क्या देखने का ही तो फर्क है। देखोगे तुम्हें कृष्ण मिलेगा। देखना चाहते हो, श्रद्धा मजबूत करो, विश्वास मजबूत करो, मन निर्मल करो। 7वें दिन नहीं, उससे पहले ही यहीं तुम्हें कहीं ना कहीं कृष्ण इसी व्यासपीठ के इर्द गिर्द इसी मंच में इसी कथा पंडाल में तुम्हें कान्हा का दर्शन अनुभव होगा ही होगा। तो सुख ने चोरी से कथा सुनी ऐसा बाबा ने समझा, और त्रिशूल उठाया बाबा, त्रिशूल उठाकर सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े। और जितने भी लोग इंदौर में या आसपास सुन रहे हैं, मेरे पास त्रिशूल तो नहीं है, लेकिन आपसे इतना निवेदन करूंगा कि संभव हो सके और अगर आप भगवान के बनना चाहते हो तो आप इसी कथा पंडाल में बैठकर अपार श्रद्धा के साथ यहां बैठिए और कथा सुनिए, और कथा सुनकर कृष्ण से अपना रिश्ता मजबूत करिए। बाबा त्रिशूल लेकर दौड़े, सुख आगे आगे, बाबा भोलेनाथ पीछे पीछे। व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, जमाई आई मुख के द्वारा गर्भ स्थान में, श्री सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। भोलेनाथ कहते हैं जब भी आओगे तुम्हें मार के ही जाऊंगा, तुम्हें मारे बगैर मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें समाप्त करके जाऊंगा, तुमने चोरी से कथा सुनी है। सुख कहते हैं आप बैठे रहे तो मैं आऊंगा ही नहीं, आप बैठे रहो जब तक चाहे, आप बैठे रहे तो मैं आऊंगा ही नहीं। अरे विधि का विधान है 9 महीने में आना पड़ेगा, 9 साल ना आऊं साहब, 9 साल नहीं आऊं अगर आप बैठे रहे तो। विधि का विधान टूट जाएगा। बोले चाहे जो हो,
आप हैं तो नहीं आऊंगा। 12 साल हो गई महाराज। कितनी, जोर से बोलिए, कितनी? 12 साल जब हो गई तब वेद व्यास जी महाराज ने भूत बावन भोलेनाथ की स्तुति की और हम लोग उज्जैन बहुत पास में है, यहाँ इंदौर में बैठे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं महाकालेश्वर के आसपास ही बैठे, राइट ना? तो बाबा भोलेनाथ का थोड़ा स्मरण कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा ही आप लोगों पर है, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो महाकाल का भक्त है काल भी उसका क्या कर सकता है। ये महाकाल के परिधि में सानिध्य में आप लोग रहते हैं। तो कुंभ में कौन कौन आ रहा है, सिंहस्थ में कौन कौन चाहता है कि मैं उस सिंहस्थ में नाऊं, कौन कौन चाहता है मैं नाऊं, कौन कौन चाहता है मैं आऊं सिंहस्थ में? लेकिन ये प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, फिर मेरे साथ तुम्हारा 7 दिन रहना पड़ेगा जब तक अदा हो। कौन कौन रहेगा बोलो, आपकी ड्यूटी है मेरे लिए जगह ढूंढो फिर। अब उतनी बड़ी जगह चाहिए जितनी बड़ी संख्या में आप आओगे, इतनी बड़ी सरकार हमें जगह कहाँ दे पाएगी। फिर भी कुछ ना कुछ जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सिंहस्थ में अपनी भी सेवा लगे और जो भी सेवा बन पड़े अपने वाणी के द्वारा बाबा महाकाल को। और अभी तक उज्जैन में कथा नहीं हुई है, जानते हो आप, और शायद इसीलिए नहीं हुई होगी कि सीधे करते हैं कुछ, बाबा की कृपा हुई तो जरूर एक बार हम आपको महाकालेश्वर उज्जैन में सिंहस्थ में। और भैया अगर कोई उज्जैन में ही कथा सुन रहे हो तो जाके पास में बड़ी सी जगह हो भाई, ने कायक बात कर लिया। जगह मीन्स हम चाहते हैं कि थोड़ा ऐसा हो जिससे आप सब लोग बड़े आराम से बैठ सके जहाँ, और क्योंकि समय भी रहेगा गर्मी का थोड़ा, इसलिए आइए दोनों हाथ जोड़ेंगे बाबा भोलेनाथ के, प्रणाम करेंगे और उच्चारण करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलं शूल पाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदो नयावद् मारात् बाजार विन्दम्
न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽयं जरा जन्म दुःखोद्दाता प्रेमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसि ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। बाबा भोलेनाथ का नाम है भोले भंडारी। जो भी इनको ध्याता है अति शीघ्र कृपा कर देते हैं। और इंदौर वालों आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, महाकालेश्वर आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है। आपको तो मंगल आरती करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है। भस्म आरती जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? भस्म आरती। तो महाकालेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन हमारा, उनको नमन करते हैं। वेदव्यास जी महाराज से कहते हैं बाबा भोलेनाथ कहो क्या चाहिए। बोले प्रभु कृपा करो, आप पधारो अब यहां से। बाबा भोलेनाथ कहते हैं हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, वैरागी होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। तय हो चले गए। व्यास जी महाराज ने कहा अब तो आ जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए तो सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले जैसे ही आऊंगा भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। आप एक बात बताइए, हमको और आपको दुखी किसने किया हुआ है? ये माया ही तो है जो हमें और आपको दुखी कर रही है, ये माया ही तो है जो हमें सता रही है। हर पल अहर्निश क्षण क्षण पल पल उठना सोना जागना बैठना खाना पीना आना जाना कमाना दमाना ये सब माया पे डिपेंड है और हम सब माया से दुखी है। ये माया ही तो हमें पकड़ रही है। जब देखो ये माया हमें अपने कब्जे में कर लेती है और जब जीव माया से प्रभावित होता है, जब जीव माया के अंडर होता है तो मायापति से दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। बोलो राधे राधे। कोशिश करिए मेरे भाई बहन, मैं ये नहीं कहता कि माया बुरी है, अगर माया प्रभु में हो जाए, माया प्रभु के साथ हो जाए तो माया से अच्छी कोई बात नहीं। ये माया वाले लोग ना हो और प्रभु के साथ जुड़े हुए ना हो तो ऐसे दिव्य आयोजन नहीं होंगे। फिर माया चाहिए, चाहिए कि नहीं? लेकिन प्रभु में हो, सेल्फिश ना हो, अपना ही नाश करने वाले ना हो, अपना ही बुरा करने वाले ना हो, भगवान को समझे, प्रभु को समझे, धर्म को समझे। माया तो बोले मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले ये माया मुझे पकड़ लेगी। तो क्या करे? बोले मायापति आके कहे कि माया नहीं पकड़ेगी तो मैं आऊं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, गर्भ में व्यक्ति जब तक होता है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उसे सब पता होता है, ए टू जेड सब मालूम है उसे। गर्भ में मां के पेट में जब तक रहता है उसे सब पता होता है, सब। लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आता है जट समझ में आ जाती है बात, जो मां समझ में आ रही थी वो नहीं आती, उसके बाद वाली बात फिर सब समझ में आ जाती जो मां नहीं समझना चाह रहा था। आप एक बात बताओ, सोचो, बच्चा गर्भ में आया, अभी ये भी नहीं पता कि उसका फोटो कैसा होगा, नहीं पता ना। जैसे ही कोई खबर मिलती है कि हाँ ऐसी कोई स्थिति मौजूद हुई है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? मैं माँ बन गई, मैं पापा बन गए। अभी पता नहीं वो अंदर कैसा होगा, काला है, गोरा है, हाथ है, पैर है, क्या है, समझ नहीं आया अभी, कुछ नहीं पता, ना रूप पता ना स्वरूप पता। दादाजी फोन करते, हेलो
मैं दादा बनने वाला हूं। भीतर वाले को भी पता नहीं कि वहां रिश्ता जुड़ गया, तेरे जाने से पहले रिश्ता कनेक्शन फिट। ये है माया, इसको कहते हैं माया। और इस माया के लिए संतों ने क्या कहा, माया मा ठगनी हम जानी। माया कौन है? माया महा ठगनी हम जानी। त्रिभुवन पति अपने बस कीने रहे चरण लिपटानी। ये माया महा ठगनी है। कैसे? बोलिए सबको ठगती रहती है। कैसे ठगती है? ठग किसको कहते हो आप? बोले भाई साहब ये सोना है। क्या भाई साहब ये सोना है आप देख लो। और मेरे को आजकल ऐसे ठग बहुत मिलते हैं। हाँ, एक ठग के बाद के ऊपर और मैं बता दूं, जितने भी लोग गांव में या आसपास में या कथा सुन रहे हैं, आजकल एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ठगियाओं का, ठगों का। वो आपके फोन पे फोन करते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमें आपकी बैंक की डिटेल चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे ही सारथी के साथ ऐसा हुआ है। मेरा सारथी है, उसका 40-45 हजार रुपया उन्होंने ऐसे बैंक से निकाल लिया। तो मुझे उस समय फील हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो बेचारा इतना कमाता है ऐसे मेहनत करके और उसका भी ऐसे चला जाए, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो फिर मैंने समझा कि मेरी ड्यूटी है कि जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मैं एक मैसेज जरूर दूंगा कथा में कि कोई भी फोन कॉल अगर आपको झूठी आती है कि आपको इनाम लग गया है, आपको ये हो गया है, आपका ये हो गया है, आपका नंबर सेलेक्ट हो गया है, कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी बैंक का अकाउंट नंबर या डिटेल बैंक के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। आप कोई भी जानकारी आप बैंक के संबंधित ऐसे लोगों को न दें जो आपको कॉल करते हैं। उनका लक्ष्य होता है आपके अकाउंट के संदर्भ में कुछ जानकारी लेना और उसके बाद आपके बैंक में जमा पूंजी को निकाल लें। अब वो निकाल लेते हैं, वो एक्सपर्ट है। वैसे इसमें बैंक की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। बैंक वालों को भी चाहिए कि वो ईमानदार रहें, उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर अगर यहाँ रहता है तो वहाँ कैसे निकाल रहा है। एक बार उनको जानकारी जरूर देनी चाहिए कि आपका पेमेंट निकाला। ये बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी से बैंक वाले नहीं भाग सकते, सरकारी हो या प्राइवेट, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को इन्फॉर्म मत दिया करिए जो कोई भी फोन, हेलो आपको 5 लाख की लॉटरी निकल गई, 5 लाख की लॉटरी, आपका अकाउंट क्या है? तूने जब लॉटरी खेली नहीं तो तुझे 5 लाख मिलेंगे कहां से? माया के दीवाने लालची आदमी 5 लाख के चक्कर में 50 हजार और दे दिया, गलत है ना? तो आपसे मेरा निवेदन है, जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं अथवा और कहीं, और आप लोग ये काम जरूर व्हाट्सएप पे एक मैसेज बना में, जो लोग सुन रहे जो भी समय मुझे सुन रहे हैं यहां या टीवी पे, आप एक मैसेज बनाइए और जितने भी लोग हो सके उन सबको जनहित में इसका मैसेज बनाकर जरूर सेंड करें। कुछ तो समाज के लिए आप काम करिए। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ये हो गया बात। माया दीवानी, माया पति अपने चरण अपने बस में कर रखे, उनके चरणों में बैठी रहती है कौन? माया। तो मेरे प्यारे, माया दो प्रकार की होती है। एक ठगनी, जो ठगते ठगते कैसे आपको पता है ना, भाई साहब ये सोना है, हम वहां काम कर रहे थे, ये हमें अचानक से उस घर में मिल गया, हमने उनको बताया नहीं, हम ले आए, सोना कितना रुपया किलो? बोले 25 लाख रुपया, जितना भी चल रहा, आई डोंट नो, इतना ही चल रहा होगा। कितना चल रहा है? तोला कितना? तोला। हाँ, तो 25 तोला तो 1 किलो हो। बोले 5 किलो की है महाराज, 5 किलो की हो गई तो कितने की हो गई? 25 लाख? नहीं, 25 की तो एक ही, 1 करोड़ 25 लाख। गणित खराब है, पढ़ने गए नहीं तो सब खराब है हमारा। तो 1 करोड़ 25 लाख की है, आपको हम 25 लाख में 30 लाख में दे देंगे, सारा बताना मत, 30 लाख हमको दे दो। वो कह रहे 30 में नहीं, 15, चलो दे दो 15, जल्दी दे दो। लेकिन और झट 15 आपने दे दिए क्योंकि आपको 1 करोड़ 25 लाख का सोना मिल गया और वो सोना है ही नहीं, ऊपर हल्का सा सोना था, हल्का सा 5 रुपए का, बाकी का सब गोविंदाय नमो नमा। और आपने 1 करोड़ 25 लाख का मालिक बनने के चक्कर में 15 जो जमा किए थे वो भी, उनको कहते ठग। जो है नहीं फिर भी कहते हैं है। माया ऐसी है, ये ठगनी है, ये कहती है संसार सच है,
ये तेरा मकान बना ले, बोले को बड़ा पैसे वाला है, ये कर ले बड़ा ये है, लेकिन ये झूठ है, ये है नहीं, दिख तो रहा है पर है नहीं है। माया का स्वरूप यह है, जो है वो होता नहीं वो दिखता है, और जो दिखता नहीं वो होता है, यही स्वरूप है माया का। तो ये माया माँ ठगनी है। तो बोले महाराज जब तक मायापति ना आकर कह दें कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तब तक मैं आपको मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले ठीक है। तब स्वयं प्रभु आकर कहते हैं पधारो, आपको मेरी माया नहीं सताएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जन्म लेते ही सुखदेव जी ने घर का परित्याग कर दिया, ऐसे त्यागी भूतोन भविष्यति, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, जन्म लेते ही। एक भी वस्त्र की चाह नहीं, तन पे एक भी लंगोटी नहीं, निर्वस्त्रा निकल गए। पीछे से उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज हैं, यम प्रवजन्तु मनोवेदम अपेद कृत्यम दोई पायनो विरह कातरहा जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोऽस्मि। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन वो रुके नहीं और वो चलते चले गए। वेद व्यास जी महाराज उदास हुए, तब देवर्षि नारद पधारते हैं और देवर्षि नारद पूछते हैं आप उदास क्यों हैं। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने इतने ग्रंथ लिखे, मैंने समाज के लिए इतना काम किया, इसके बावजूद भी मेरे मन को शांति नहीं है, मेरा मन अशांत है। नारद जी महाराज कहते हैं महाराज आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन ऐसा भी ज्ञान किसी काम का नहीं जो भगवान से प्रेम न करावे। ध्यान से सुनना, हर वो चीज पवित्र है जो भगवान की तरफ लेकर जाए, और हर वो चीज गंदी है जो हमें भगवान से दूर कर दे, चाहे वो मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। तुलसीदास बाबा ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसे भगवान से प्यार ना हो ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप भी नास्तिक हो जाएंगे उनके संग में रह रह के। बोले हम ही छोड़ दे, हमसे पहले छोड़े। बोले छोड़े, विभीषण ने भैया छोड़ दिए, भरत ने मैया छोड़ दी, प्रहलाद जी ने पिताजी छोड़ दी, बलि ने गुरु जी छोड़ दिए, और की तो बात क्या कहें, ब्रज गोपियों ने तो खसम छोड़ दियो। क्यों हंसे, मैंने कुछ गड़बड़ कह दी का, कहते कहीं खसम। इंग्लिश में उसे हस्बैंड कहते हैं, हिंदी में उसे पतिदेव कहते हैं, ब्रज भाषा में बातें खसम कहते हैं, बस खसम एज हस्बैंड इक्वल है दोनों, खसम हस्बैंड, खसम हस्बैंड, हस्बैंड खसम इक्वल है। मुस्कुराए क्यों, बोले महाराज आपकी ब्रज भाषा बड़ी अच्छी है, हस्बैंड को भी खसम बनाती है, हाँ पंजाबी भाषा और भी अच्छी है, खसमानु खानी बोलते हैं, पंजाबी भाषा में कहते खसम्यानु खानी, मतलब खसम को खाने वाली। अब ऐसी बात क्यों बोलते हो भाई, खसम्यानु खानी क्या मतलब है। बोले महाराज प्यार से कहते हैं। बोले प्यार में भी खसम ही खाना था, कुछ और खा लो, प्राणु खानी नहीं, प्यूनु खानी नहीं, मानु खानी नहीं, उत्थे भी राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, मैं कैसे कहूं प्रभु। बोले महाराज कोई भी ज्ञान इस काम का नहीं, वो कोई ज्ञान ज्ञान नहीं जो हमें भगवान की तरफ प्रेरित न करे, वो माया माया नहीं जो हमें भगवान की सेवा करने का अवसर न दे, वो जीवन जीवन नहीं जो भगवान की सेवा में ओत प्रोत न हो जाए, वो नेत्र नेत्र नहीं जिनसे भगवान का दर्शन न होता, ये सब व्यर्थ। ध्यान से सुन लीजिए बात, वेद व्यास जी आप जानते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और मेरी मां को एक ही सबसे अच्छा
सबसे अच्छा जो वो काम करती थी वो करती थी संतों की सेवा। क्या करती थी? आज कोई संतों की सेवा करता है? करता है? हाँ करता है ना, निंदा कर करके, उनकी चुगली कर करके। पहले संत आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में भगवान आ गए, और आजकल कोई संत आ जाए घर में, कोई भिक्षा मांग ले तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा अभिशाप हो गया हमारे लिए। संतों की सेवा इक्वल टू गॉड, सर्विस टू सेंट्स, इट मीन्स सर्विस टू गॉड। भगवान तो आपको दिखते नहीं, भगवान के प्रतिनिधि की सेवा करो। संत महात्मा कथाकार ये कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। और जब इन प्रतिनिधियों की सेवा करते हो तो वो भगवान आपकी सेवा स्वीकार करता है। हाँ कहीं कमी हो, कोई ऐसी बात हो रही हो, वहां से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, सेवा करो। सेवा करने से हमारा अभिमान समाप्त होता है, मैं ये हूं, ये अभिमान मिटता है। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में, धर्मराज के यज्ञ में, धर्मराज के साथ जाकर राजाओं की झूठी पत्तल उठाते। क्यों क्यों उठाते पत्तल बताइए? यहां कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 10-5 करोड़ रुपया हो और जाकर वो सबकी झूठन पत्तल उठाएगा? 2-4 हजार देकर लोग लगा देगा, बोले जाओ पत्तल उठाओ इनकी, खुद नहीं उठाएगा। अगर सबकी पत्तल उठा ले तो बोले खुद का अहम नष्ट हो जाएगा और सच्चा कृष्ण दास हो जाएगा, कृष्ण भगवान का भक्त हो जाएगा सच्चा। क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। तो बोले मेरी माँ भगवान की सेवा बहुत किया करती थी, संतों की सेवा। और जब संतों की सेवा करते थे तो फिर बोले संतों का आना जाना लगा रहता था। आइए संत क्या कहते हैं, क्या देते हैं, थोड़ा गुनगुना लें, क्योंकि मैंने कहा था आपको 2 घंटे कथा सुनाऊंगा, अब आपका चेहरा झलक रहा है, हैं? क्या चाह रहे हो, हैं? भजन राम नाम के हीरे मोती, निवेदन है सभी बैठे रहेंगे दोनों हाथ से सेवा करते रहेंगे। राम नाम के हीरे मोती गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा सो बजाऊं गले गले। जरूरी तो नहीं कि खड़ा हुआ जाए, जो खड़े वो खड़े रहे, लेकिन बैठे बैठे भी तो नृत्य हो सकता है। बैठे रहिए और झूमते रहिए। हरि बोल।
आखिर वे कंगाल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए चांदी सोने वालों सुन लो चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी I'm not
बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब आप लोग सभी एकाग्रचित होकर बैठें। अब यहाँ से आगे थोड़ी महाभारत की चर्चा करेंगे, उसके बाद कलयुग की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं और आज ही हमें कलयुग की चर्चा समझनी है, फिर कथा बढ़ती रहेगी आगे। वेद व्यास जी महाराज से कहते हैं, मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी, बहुत सेवा करती थी, तो माँ के सानिध्य में मैंने भी संतों की सेवा बचपन में ही प्रारंभ की। और जब मैंने वो सेवा प्रारंभ की तो मैं जब संतों की सेवा करता, सोते समय चरण दबाता तो संत अहर्निश भगवत चर्चा करते थे। भगवत चर्चा सुन सुन के मुझे भगवान से प्रेम हो गया, संतों के मुख से सुन सुन के मुझे भगवान से प्रेम हो गया। एक बात मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं, आपने सुनी होगी, आज फिर कहता हूं, प्रेम दो तरीके से होता है, प्रेम के दो मार्ग हैं, एक नेत्र और एक श्रवण। नेत्र, जब हम किसी को देखें वो हमें अच्छा लगे, हमारे नेत्र उसे देखकर प्रसन्न होते हों, आनंदित होते हों, तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। दूसरा, हमने उसे कभी देखा नहीं है, उसके बारे में सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है कि सुन सुन के उससे प्रेम हो गया। भगवान की कथा ये कार्य करती है कि सुन सुन के हमें उससे प्रेम हो जाता है, सुन सुन के, ये भगवान की कथा का कार्य है। न जाने कितने लोगों को भगवान का दीवाना बनाया इसी कथा ने, बनाया कि नहीं? बचपन में कभी माँ बाप के साथ गए या अपने किसी अच्छे मित्र के साथ गए, वहां जाकर कथा सुन ली और मन में हमेशा के लिए स्थापित हो गया, भगवान ही सच्चा है, बाकी दुनिया झूठी है। एक बार सुना, जीवन के लिए धारण कर लिया और बस अब कहीं और जगह नहीं बची, अब किसी और चीज की चाहत नहीं बची, हो गया कल्याण इसी एक बात से। क्यों जाके संतों के सानिध्य में बैठे? विचारों में परिवर्तन आता है, अच्छाई आती है। अब उस बच्चे को इतना सुना उसने कथा, सुन सुन के उस बच्चे को भगवान से प्रेम हो गया। जब संत जाने लगे तो वो संतों के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाकर संतों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, आपके साथ जा रहे हैं। बोले, मेरे साथ, हमारे साथ कहाँ जाओगे? बोले, कहाँ जाओगे? जहाँ आप जाओगे वहाँ जाएंगे। अरे बोले, हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले, महाराज पहले आपने हमें दीवाना बना दी भगवान का, और अब कह रहे हो कहाँ जा रहे हो? अब तो भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा। महात्मा जी बोले, तेरी माँ संतों की बहुत सेवा करती है, अगर तुझे हम ले गए तो कहेंगे अच्छे बाबा जी की सेवा की, मेरे बच्चे को ही बाबा जी बना के ले गए। इस समाज में डॉक्टर बनाने से अपने बच्चे को नहीं डरते, इंजीनियर बनाने से नहीं डरते, वकील बनाने से नहीं डरते, आईएएस आईपीएस बनाने से नहीं डरते, मिलिट्री में चला जाए बच्चे से बच्चा चला जाए नहीं डरते, किसी चीज से डर नहीं है, लेकिन बाबा जी न बन जाए इस बात का बड़ा डर है। बाबा जी नहीं बनना चाहिए मेरा बेटा, बोली है कि नहीं बताइए, हैं? बोलो, कौन कौन चाहता मेरा इकलौता बेटा बाबा जी हो जाए? एक हाथ उठाए बस, हाँ अब उठा लो पीछे, इकलौता बेटे की बात कर रहा हूं मैं। सब बनवा लेंगे लेकिन बाबा जी नहीं बना। जिस दिन बच्चा कथा सुन सुन के तिलक लगाने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, माँ बाप को टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या करेगा, अब बिगड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता।
और जल्दी चर्चा हो जाती, ऐसा कोई काम करो फटाफट शादी कर दो, इसकी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। शादी एक साधन है कंट्रोल में रखने का, ऐसा। तीन लोग इस समाज के इस समय प्रत्यक्ष, कथाकार, कलाकार और पत्रकार। जितने भी पत्रकार महोदय बैठे हैं ध्यान देंगे, इस समाज में तीन लोग सुधर जाएं तो पूरा देश सुधर जाएगा। पहले कथाकार, फिर कलाकार, नहीं फिर पत्रकार, फिर कलाकार। कथाकार जो बोलते हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कथाकारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कथाकार को एक जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए, जिजमान खुश हो या ना हो, प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन बोले वही जो ग्रंथ में लिखा है, वही बोले। हमारे समाज में कहीं कमजोरी जो आई ना, आज जो लचीलापन आया धर्म में, उसके पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने किसी न किसी वजह से छूट ज्यादा दे दी लोगों को धर्म करने के लिए। अच्छा आप मत करो, हम कर लेंगे आपकी जगह पाठ। अरे क्यों कर लेंगे, आप करो ना, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए हम जैसे लोगों को, धर्म में चलने वाले लोगों को। जिजमान एक छूटे तो छूट जाए, 100 तो बने रहे कम से कम, और मैं तो कहता हूं 1000 छूट जाए लेकिन एक भी ईमानदारी से चलेगा तो धर्म टिका रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम कौन? बोले पत्रकार। पत्रकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ध्यान से सुनना। जो सच है समाज का और समाज के हित में कौन सी बात है, ये फ्रंट पे लिखना है, मूल पेज पे, पहले पेज पे। आजकल पेज पे क्या लिख देते, पहले पे आइए पाइए 7 लाख रुपए में 3-bedroom सेट। आई एम नॉट अगेंस्ट, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो पत्र नहीं चलेगा, लेकिन उससे पीछे वाले पे डाल दो, सेकंड पे डाल दो, लेकिन पहले पे डालो। तुम्हारे समाज के लिए आज का अच्छा पल कौन सा रहा, हमारे शहर के लिए, वो पहले पे डालेंगे, पूरा शहर उसे पढ़ेगा, फिर प्रोग्रेस होगी कि हमें यही काम करना है कि एक दिन अच्छाई में हमारे फ्रंट पे हमारा नाम आ जाए। कम संसाधन है पत्रकार महोदयों को, क्या पढ़ा रहे हैं, मैं उसका जिम्मेदार हूं कि मैं क्या सुना रहा हूं, आप जिम्मेदार हैं आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं, और कलाकार जिम्मेदार हैं कि दुनिया को वो क्या दिखा रहे हैं। आज हमारे घर की बहन बेटियां इतने कपड़े पहनना चाहती हैं, और कम कर दूं इतने बहुत है, इतने दिखेगा नहीं कैमरे में, नहीं आएगा, आप देख लो इधर से इतने, क्यों? कलाकार वो दिखा रहे हैं, देखने का असर है, सुनने का असर है, पढ़ने का असर है। इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पत्रकार, शिवम कथाकार, सुंदरम कलाकार, इन तीनों को इस समाज के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, और बिना यह सोचे कि वो आदमी बड़ा है कि छोटा है, बस सच्चाई को और अच्छाई को इस संसार में, इस लोग में, इस शहर में, इस दुनिया में देते रहना चाहिए, यही सच्ची पत्रकारिता। एक बात और बता दूं, जब आप इतने ईमानदारी से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने परिवार की चिंता नहीं करनी, तब आपके परिवार की चिंता मेरा ठाकुर जी करता है, मेरा गोविंद करता है, मेरा कृष्ण करता है। ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई हैं, क्योंकि कुछ अच्छाई है समाज में। आज हमारे समाज का मॉरल डाउन हो रहा है, जो हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है, वो थोड़ा धीरे पड़ गया है। क्यों पड़ गया है? बोले आज दिखावे में दुनिया जी रही है। घर में चाहे कुछ ना हो पर कपड़े अच्छे पहनने, घर में नहीं है तो मत पहनो महंगे कपड़े, कर्ज लेके कपड़ा पहनना जरूरी है? जैसे राखे तैसे रहूं, भगवान ने जो दिया है ऐसे अपना चरित्र निर्माण करो।
कम में भगवान ने कम दिया तो उस तरीके से संसाधन होने चाहिए, अपना जीवन स्टाइल वैसा होना चाहिए, जो कम है तो कम में अच्छी जिंदगी गुजर करनी है, और खूब दिया है तो समाज का हिस्सा उसमें आ गया, उस समाज का भी भला उसमें हो और तुम्हारा भी भला हो, ऐसा कार्य फिर हम सबको करना चाहिए। Nowadays, money-minded people, I am not against of money, but infatuated with money, this is a bad thing. पैसा सबकी जरूरत है, मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन money is not God. पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, उससे ऊपर है आपका चरित्र, उससे ऊपर है आपका करैक्टर, उससे ऊपर है आपकी सोचने की क्षमता, उससे ऊपर है आप अपनी जिंदगी को किस मायने में रखते हो। तुम्हें दुनिया को फेस नहीं करना है, अगर ईमानदारी से किसी को फेस करना है एक दिन, तुमको दो को फेस करना है, एक खुद को फेस करना है और एक परमात्मा को फेस करना है, किसी और को फेस नहीं करना, ये ध्यान रखिए। दो लोगों को अपना मुंह दिखा सको ऐसी जिंदगी जियो, ऐसा काम करो, चाहे वो पत्रकार, कलाकार और कथाकार कोई भी हो, दो लोगों को चेहरा दिखाना पड़ेगा तुम्हें, उनको जवाब तलब करना पड़ेगा, देना पड़ेगा जवाब, एक भगवान को और एक खुद को। जब आप इस तरीके से जियोगे, इस तरह से आप, क्योंकि आज 5 साल पूरे हुए हैं दबंग दुनिया को, अब इसलिए थोड़ा लेक्चर दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 5 साल आज पूरे हुए हैं और हम चाहते हैं 500 साल पूरे हों आपके इस पत्र के, जोर से बोलो ना। मेरे अंदर एक ही अच्छाई है जो धर्म की सपोर्ट करता है, मैं तन मन मेरे पास है, मेरी वाणी मेरे पास है, मेरे पास आशीर्वाद के सेवा, दुआओं के सेवा कुछ नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को दुआ देने में कभी कंजूसी नहीं करता जो लोग धर्म के लिए कार्य करते हैं। कथाक्रम, इसी कथा के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। देवर्षि नारद को, जो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र हैं, संतों ने कहा तुम्हारी माँ संतों की सेवा करती है, अगर हम तुम्हें ले जाएंगे तो वो उल्टा सीधा बोलेगी हमें, दुनिया एक ही चीज से डरती है, क्या मेरा बच्चा बाबा जी न बन जाए, संत न बन जाए। लेकिन संत बनना इतनी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, सब इच्छाओं का दमन करना पड़ता है तब संत बनना पड़ता है। तो कुछ समय बाद वही दासी पुत्र देवर्षि नारद के नाम से जाने गए, ये कथाक्रम आप सभी जानते हैं। इसके बाद थोड़ा सा महाभारत की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद परीक्षित और कलयुग की कथा। महाभारत सत्यमेव, जोर से बोली, जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है, वहां जीत है। पांडव सत्यवादी हैं, कौरव असत्यवादी हैं, पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं, 95% एक्स्ट्रा। अब एक बात बताइए, जीत 5 की हुई कि 100 की, जोर से बोलिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पहली बात थी, आजकल नहीं, आजकल सत्य पे चलने में बहुत परेशानी होती है। हाँ होती है, कौन मना कर रहा है, तपना तो सोने को ही पड़ता है, लोहे को कौन तपाता है, लोहे को हम लोग कहां तपाते हैं उतना, सोने को बार बार तपाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, सोना ही है ना। एग्जाम उन्हीं को देना होता है जिनको आगे बढ़ने की इच्छा है, जो स्कूल गए नहीं उन्हें एग्जाम देने की कहां जरूरत है, जो पढ़ना ही नहीं चाहते उन्हें एग्जाम की कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन उन्हीं को होगा जो आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एग्जाम देने से कभी मत डरिए, एग्जाम दीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पर चलने वाले लोग पराजित कभी नहीं होंगे मेरे भाई बहन, कभी नहीं मींस कभी नहीं। क्या नहीं सहा पांडवों ने, क्या नहीं सहा, जहर भीम को खिला दिया गया, लाक्षाग्रह में 5 को जलाने की कोशिश, द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारने की कोशिश, राज्य छीनी लिया, सब कुछ किया, ये सब किसके लिए बोलो, किसके लिए, वो माया के लिए, लालच के लिए, ये कौरव है, वो 100 है, वो 5 है, लेकिन अंततोगत्व जीत किसकी हुई बताइए, किसकी विजय हुई बोलना, जोर से बोलिए।
क्योंकि जहां सत्य है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं जीत है, वहीं जीत है मेरे भाई बहन, वहां जीत होगी ही जहां कृष्ण है। एक दुर्योधन की एक बात बताता हूं। एक बार देवर्षि नारद नारायण भगवान के पास गए और नारायण भगवान से कहा कि भगवान आपका नाम समदर्शी है। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर गए, कहते हैं कि मैंने सुना है आपका नाम समदर्शी है। बोले हाँ सही है। बोले पर मुझे लगता नहीं प्रभु कि आपका नाम समदर्शी और आप ऐसे समदर्शी हैं। क्यों नहीं लगता, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप कि नहीं है? बोले प्रभु इसलिए सोच रहा हूं मैं कि अगर आप समदर्शी हैं तो धर्मराज को इतना प्रेम क्यों करते हैं और दुर्योधन को आप इतना इग्नोर क्यों करते हैं? आपकी नजरों में तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, आप दोनों को एक जैसा प्रेम करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप यहीं रहो, अभी हम आपको एक लीला दिखाते हैं। दुर्योधन को बुलाया, इधर आओ। दुर्योधन आए, बोले हमारा एक काम करोगे क्या? बोले समाज में जो सबसे अच्छा इंसान हो उसे ढूंढ के लाओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, इस समाज में जो सबसे अच्छा आदमी हो, सबसे अच्छा व्यक्तित्व हो, उसे ढूंढ कर लाओ। चले गए, धर्मराज को बुलाया। धर्मराज से कहा आप हमारा एक काम करोगे? बोले हाँ करेंगे। इस समाज में जो सबसे बुरा इंसान हो उसे ढूंढ के लाओ। थोड़ी देर बाद दोनों ही खाली हाथ आए, अकेले अकेले आए। पूछा भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से, तुम खाली अकेले आए हो? हमने तुमसे कहा था समाज में कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ जो सबसे अच्छा हो, आप अकेले क्यों आए? तो दुर्योधन ने एक बात कही, महाराज मुझे इस दुनिया में एक भी आदमी अच्छा नजर नहीं आया। खूब ढूंढा मैंने, खूब ढूंढा इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान मिल जाए, लेकिन मैं जब जब अपने आप को देखता रहा मुझे मुझसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा कोई नहीं नजर आया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी से पूछा आपको बुरा ढूंढने के लिए कहा था, बुरा ढूंढ के लाओ? तो उन्होंने भी वही जवाब दिया, मैंने पूरी दुनिया ढूंढ मारी महाराज, पर मुझे मुझसे ज्यादा बुरा कोई नजर नहीं आया। दुनिया वही है, व्यक्ति दो हैं, सोचने के तरीके दो हैं, नजरिया दो है। एक को उसी दुनिया में कोई अच्छा नजर नहीं आया और दूसरे को उसी दुनिया में कोई बुरा नजर नहीं आया। तुम्हारा नजरिया क्या है? गिलास आधा भरा है कि खाली है? गिलास वही है, पानी वही है, उतने ही लेवल पे है। जो लोग कहते हैं धर्म में कुछ नहीं अच्छा हो रहा वो लोग झूठ बोलते हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था इसी धर्म ने तुम्हारी पहचान कराई थी, जब तुम्हारी शादी हुई तो इसी धर्म ने तुम्हारी पहचान कराई, जब तुम्हारे बच्चे हुए तो इसी धर्म ने उनका नाम संस्कार होने दिया, और जब तुम मरे तो अंतिम संस्कार भी इसी धर्म ने अपने सानिध्य में रखकर तुम्हारा अंतिम संस्कार किया। इस धर्म ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, सच्चाई यह है कि तुमने धर्म का साथ छोड़ा। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब सेल्फिश बनने का मौका मिला, तुम धर्म छोड़कर चले गए, और जब दुनिया ने लात मार दी तो फिर से आके धर्म में बैठ गए। क्या बोलना पड़ेगा? धर्मराज को बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। अब तुम सोचो तुम कौन हो, कहां हो तुम? धर्मराज हो कि दुर्योधन हो, तुम्हें क्या दुनिया में कुछ अच्छा ही नजर नहीं आती, धर्म में अच्छा ही नजर नहीं आती या बुराई नजर नहीं आती? देखो कौन सा चश्मा तुमने पहना है, जौन सा चश्मा पहनोगे वही नजर आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवर्षि नारद ये विषय है, इसलिए मैं धर्मराज को ज्यादा प्रेम करता हूं। अच्छा बेटा हो, चार बेटों में से माँ बाप तो प्यार सभी को करते हैं, लेकिन अधिक प्यार उसको करते हैं जिसका कर्म अच्छा हो, जो मर्यादित जीवन जिए। बाप तो वो चारों के ही है, लेकिन बेटा प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म अच्छा है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं
कौन कौन चाहता है कि हम भगवान के अच्छे बच्चे बने? कौन कौन चाहते हैं? मुझे मत बताओ, हाथ ऊपर इसलिए उठवाता हूं क्योंकि ऊपर वाला देख ले, समझ रहे हैं? हाथ इसलिए ऊपर उठवाता हूं जैसे ऊपर वाला देख ले कि मुझे कौन कौन प्यार कर रहा है, मुझे कौन कौन चाह रहा है, कौन कौन मेरा अच्छी औलाद बनना चाहता है। जो आरती से पहले जाते हैं, क्या वो कौन से बच्चों में उनकी गिनती गिनोगे आप? बोलो बोलो ना, अब बताओ, अच्छे बच्चे बनोगे कि बुरे? तो उसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा, भगवान को कहना पड़ेगा क्या, I am your good children, अच्छे बच्चे हम आपके। तो इसलिए धर्मराज को, पांडवों को भगवान प्रेम करते हैं, और इसलिए पांडवों की विजय हुई, पांडवों की जीत हुई, सत्यमेव जयते। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। महाभारत का प्रसंग मैंने कम इसलिए सुनाया क्योंकि मुझे कलयुग की चर्चा करनी है। कुछ समय बाद जब धर्मराज को राज्य दे दिया गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, वहां से फिर अपनी लीलाओं को विश्राम किया, पांडवों को पता चला तो ये सब लीलाएं हैं, बीच में परीक्षित का जन्म भी आता है पीछे प्रसंग में, वो सब कथा आपने सुनी है, इसलिए महाभारत का प्रसंग कम सुना रहा हूं मैं आपको। परीक्षित की रक्षा भी भगवान गर्भ में जाके करते हैं, अश्वत्थामा मार देना चाहता है लेकिन भगवान गर्भ में उनकी रक्षा करते हैं, जिससे भगवान की कृपा से परीक्षित का जन्म होता है। फिर भगवान लीला त्याग पूरी करके चले जाते हैं, पांडव भी अपना राज्यभार सब धर्मराज परीक्षित को देकर चले जाते हैं। इति भगवान के पांडवों की ये कथा। बद्री विशाल में जाकर पांडव स्वर्गारोहण, एक जगह है वहां पर, कहते हैं कि वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी है। अब दो सीढ़ी दिखती हैं, तीसरी नहीं दिखती है, तीसरी नहीं है, उसका क्या मतलब है अभिप्राय, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत। और जब हमने बद्री विशाल में कथा की थी तब वो सब बहुत सुंदर, वहाँ के विषय में वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, जो कभी कभी तो ग्रंथों में भी पढ़ने को नहीं मिलता, वैसी ऐसी बातें वहाँ मिलती हैं। परीक्षित की कथा सुनते हैं क्योंकि यहां से कलयुग, और हम और आप सभी कलयुग के लोग हैं, ध्यान से सुनना, पूरी कलयुग की कथा है। परीक्षित एक दिन कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे तो तत्र गौ मिथुनम राजा हन्यव मानव नाथवत, उन्होंने एक दृश्य देखा, एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर एक गाय को और एक बैल को बड़ी जोर जोर से पीट रहा है। हमारे सनातन धर्म में गौ को मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोर से बोलिए, गौ को मां कहा जाता है। और उसी मां को इस देश में काट दिया जाता है, और जब गौ की बचाने की आवाज आती है तो कुछ चाटुकार लोग उसे धर्म से जोड़कर उस मुद्दे को बंद कर देते हैं, कुछ चाटुकार लोग। जब एक इंसान मरता है पूरा भारत इकट्ठा हो जाता है, और गौओं को बचाने वाले जो लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिए जाते हैं तब कोई नहीं बोलता। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी के विरुद्ध हूं, और यह भी नहीं है कि मैं किसी के धर्म की, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक बात कहना, मुझे जो कष्ट होता है इस समाज के अपने अपने चेहरे पे तमाम चौकटे लगा लगा कर बैठे और अपने आप को सेकुलर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश का संविधान हम सबको अपने अपने धर्म का निर्वाहन करने की पूरी ईमानदारी से परमिशन देता है, और ये मेरे देश का संविधान अगर कहता है तो हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि गौ माँ है, और माँ का वध किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है।
किसी भी कंट्री में आप माँ का मर्डर नहीं कर सकते। और गौ हमारी माँ है, या तो ये कहो कि गौ को आप माँ नहीं बोल सकते, हमारे नहीं, हमारे भगवान भी माँ बोलते थे गौ माँ, तो फिर हमारी गौ माँ को क्यों काटा जाएगा, क्यों मारा जाए। और एज ए ह्यूमैनिटी आप मुझे बताइए, क्या किसी की जान लेना अच्छी बात है? गौ को छोड़िए, बकरे को भी मारना, चींटी को भी मारना, हाथी को भी मारना, अरे शेर को मार दे तो सरकार कानून उस पे केस थोप देती है। शेर का काम है हिंसा करना, मार दो फंद कटे, लेकिन उस पे केस कर देते हैं। और गौ को मार दो जो दूध देती है, कोई केस नहीं। कौन से कानून में चल रहा है हमारा देश? अब आप लोग कहेंगे महाराज आप कथा करिए राजनीति, ये राजनीति का विषय नहीं है, धर्म का विषय है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये किसी और का विषय नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। सन 64-65 में हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो उसके तुरंत बाद धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने गौरक्षा आंदोलन चलाया था, और उस समय दिल्ली में गोलियां चली थी संतों साधुओं पे, और उसका परिणाम आज तक झेला जा रहा है। तब से लेके आज तक देश शांति से नहीं बैठा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, गौ का सम्मान करना सीखे। जब जब इस पृथ्वी को, जिस पृथ्वी पर आप टिके हुए हो, कहते हैं ये हल्की सी धुरी पे टिकी हुई है पृथ्वी, ऐसा आपका विज्ञान कहता है, हाँ या ना, जवाब दीजिए। अभी कितने भूकंप आ रहे हैं कि नहीं? हर रोज भूकंप आ जाते हैं, कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। वजह, पृथ्वी इन पापों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और अगर जल्दी से अब वो लोग कह रहे हैं कि ये खिसल रहे हैं, वो खिसल रहे हैं, कोई खिसल रहा हो, पृथ्वी उस दिन चौपट कर देगी जिस दिन इस पृथ्वी पर अभी हम लोग सावधान नहीं हुए। तो गौ की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये सब मानवों की जिम्मेदारी है। हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी जिम्मेदारी है। और मैंने तो यहां तक सुना है कई मुसलमान भाई गौशाला चला रहे हैं, मैंने खुद ने सुना है, और वो कई लोग मिले हैं मुझे। आपको जान के दुख होगा, जिन ट्रकों में गौओं का मांस जाता है वो ट्रक हिंदुओं के हैं। अब बजाओ ताली, इस पे बजानी है तो, और रोना है तो रो। कितना मनी माइंडेड हो गया व्यक्ति, कितना मनी माइंडेड है, कितना पैसा खाएगा पता नहीं, नीचे से ऊपर तक सिर्फ पैसे में मरेगा क्या? ईमानदारी से पैसा कमाओ, जहां तुम्हारा धर्म अट ना हो, जहां किसी की आत्मा को कष्ट ना हो, ऐसा पैसा हमें तुम्हें हमेशा तुम्हें ऊंचाई दिखाएगा। और अगर किसी को दुख देकर तुमने पैसा कमाया, गारंटीड एक दिन ये पैसा तुम्हें इतना दुख देगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परीक्षित ने देखा कि हमारी गौ को कोई मार रहा है, तुरंत परीक्षित राजा उतरे और उतर कर कहा, कौन है आप? वो व्यक्ति काला सा व्यक्ति था, वो दूर भागा, दूर हो गया वहां से। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं? गौ ने कहा, हे राजन मैं पृथ्वी हूं, गाय के रूप में मौजूद हूं। बैल ने कहा, महाराज मैं धर्म हूं और ये कलयुग हमें मार रहा है। धर्म ने पूछा, कहा मैं धर्म हूं बैल के रूप में और ये कलयुग हमें मार रहा है। बोले आप क्यों? बोले महाराज मेरे चार चरण थे, तीन टूट गए। धर्म के चार चरण है, बताऊं कि नहीं? बताऊं कि नहीं? पक्का चार चरण है धर्म के, तप दया दान और शौच, तीन टूट गए। आपके एवरीडे के दिनचर्या में, जो आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, आपका एवरीडे का जो रूटीन है, उसमें से तीन चरण टूट गए धर्म के। दया नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, है क्या? बोलो तीनों में से कुछ। तपस्या करते हो, दया करते हो? लालो किस पे दया करते? बोले मेरे बच्चे जब रोते बहुत दया आती है मुझे। तेरा बच्चा रोए उस पे तो दया वो भैंस भी कर ले, गौ भी कर ले,
बंदरिया भी अपने बच्चे के मरने के बाद 6 महीने तक लिपटा के रखती है, अपने पड़ोसी के को रखती है क्या? उसे दया नहीं करते। मुझे अपने पति पे बड़ी दया आती है, पति पति पत्नी पे दया करके दिखाई, पति तो जाने वो है दया। माताओं का तो दयालु स्वभाव होता ही, पति पे हमेशा दया करती हैं। हाँ एक बात आ गई मुझे याद, मैंने परसों देखी झांसी की रानी, हाथ में तलवार नहीं थी उसके में, सिलवटना था सिलवटना, न्यूज चैनल पे देखी मैंने, वो कितने बुरी तरीके से अपनी सासू माँ को पीट रही थी। झांसी की रानी का नाम ले दिया, क्षमा चाहता हूँ, वो ताड़का की भतीजी थी, ताड़का की भतीजी। आई एम सॉरी टू से इफ आई हर्ट यू, झांसी की रानी का नाम लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यहीं से। जोश जोश में ले गया, पर वो ताड़का की भतीजी देखी मैंने परसों या उससे एक दिन पहले न्यूज चैनल पे। सास बूढ़ी है, पलंग पे बैठी हुई है और एक पटका दुपट्टा लाती है और वो पीछे से उसका गला पकड़ के उसे खींच क्या, और फिर भाग के जाती है, एक सिलवटना लाती है और फिर मारती है उसके सर पे, पत्थर का होता ना सिलवटना, वो उसे मारती है। मुझे नहीं पता उस सासू माँ का क्या हुआ, पर अगर यही सभ्य समाज है और अगर यही मॉडर्न समाज है तो एक बार नहीं 1,00,000 बार धिक्कार है इस समाज के लिए, 1,00,000 बार धिक्कार, 1,00,000,000 बार धिक्कार। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इतने ही बदतमीज बनते हैं तो आई एम सॉरी, मेरे बच्चे अनपढ़ ही अच्छे हैं, मुझे नहीं पढ़ाना। ये है आपकी मॉरल एजुकेशन, ये है आपकी मॉडर्न एजुकेशन। एक बूढ़ी को पत्थर मारते हो, धिक्कार है उस मां की कोख को जिसने ऐसी बेटी को पैदा किया। माना कि उस सास में कमियां होंगी, लेकिन इतनी ऐसी दुर्दशा। वजह जानते हो क्या? क्योंकि हमारे बच्चे धर्म के संदर्भ में इतना भी नहीं जानते हैं। इंग्लिश मीडियम में भेजो, भेजो इंग्लिश मीडियम, पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम, बना दो इंग्लिश मीडियम, वहां जाके हमारे बच्चे बदतमीज बनकर आते हैं, तमीजदार बनकर नहीं आते। और अगर वहां पढ़ा नहीं है, पढ़ाओ तो 1 घंटे की क्लास एवरीडे अपने घर में दो, संस्कारों की क्लास। न तपस्या है, न दया है और ना ही शुद्धता है, शौच पवित्रता नहीं है क्या? चप्पल जूते पहनकर आप रसोई बनाते हो और रोटी खाने वाले भोजन करने वाले लोग भी जूते पहन के चप्पल रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, हाँ या ना? पूरी मेहनत की कमाई, इतनी मेहनत, इतना कठिन परिश्रम किसके लिए करते हो? पेट के लिए, अन्न के लिए? क्या यही संस्कार है तुम्हारे के भोजन करते समय भी? एक तो अच्छा एक और बात पूछ रहा हूं, पशु बैठकर भोजन करते हैं कि खड़े होकर? जोर से बोलिए, पशु बैठकर भोजन करते हैं कि खड़े होकर? मानव बैठकर भोजन करते हैं कि खड़े होकर? मानवता क्या है? बैठकर। और पशु की पशुता क्या है? खड़े होकर। आज का मानव क्या हो रहा है? पशु बदला है क्या? पशु बदला है? कौन बदल गया सबसे पहले? कौन बदले बताते जाना। नहीं नहीं, ये पशुता शुरू किसने की सबसे पहले? ये पशुता मानव होने के बाद भी जो पशुता है वो किसने शुरू की? जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, जो अपने आप को बहुत मॉडर्न लोग कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत बहुत मीन्स बहुत, हाँ जी कि ना जी बोलो। और फिर हम सब मिडिल क्लासों ने क्या किया? उनकी नकल। अब तो हमारी बेटी की शादी में भी सब खड़े होके पशु बन के रोटी खा रहे। बोल
पशु बने। और देखो सुनो एक और बात बताए, पशु को एक लड़ामनी में भोजन डाल दिया जाता है, सारे लोग उसी में आके खाते हैं। वैसे ही बरात में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, वही पशुओं वाला दृश्य है। बड़ी बड़ी टाई लगाकर कोट वाले भी पल्ले के प्लेट लाइन में लगाए पशु की तरह एक ही लाइन में। ये पवित्रता, सबकी झूठन खा रहे हैं, यह है पशुता। कोई आचार विचार नहीं है। मुझे पता है दो तीन लोगों को बुरा लगा, वो गए बाहर पंडाल से गए। अब सही बोल तो बुरा लगता है ना साहब, अब क्या करूं मैं, पर साहब क्या करूं, भगवान ने भेजा हूं इसलिए मैं रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। पशुता है कि नहीं? आज के बाद एक और नियम बना लो, न तो चप्पल जूते पहनकर रोटी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे और न खाएंगे। अगर खड़े होके भी कहीं ऐसी मजबूरी हो कि खड़े होके ही खाना है, तो कम से कम चप्पल जूते उतार दीजिए। अन्न भगवान है और भगवान का सम्मान करिए, हमेशा सम्मान करिए। अब जो चले गए 6:15 बजे कुछ लोग, उन्हें ये बात मिली सुनने को, कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा होता है, किस मोमेंट में अच्छा मिलेगा पता नहीं। तो महाराज न पवित्रता है, न दया है, न तपस्या है, तीन चरण टूट गए धर्म के। एक चरण बचा है दान का, और दान के नाम पर भी आजकल बवाल हो रहा है। थोड़ा भी कोई दान दे दे तो पहले, आजकल तो कानून ने इतने बड़े सख्त नियम बने कानून के तहत, हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई एक हाथ दो, एक हाथ को पता ना चले, हमारे यहाँ तो दान ऐसा दिया जाता है। बोले नहीं, स्लिप दिखाओ पहले, ले ले स्लिप, ऊपर से स्लिप भी दिखा दो, सब दिखा दो, ऊपर से भी कहते बुलवा देते। कई लोग सेवा भी करना चाहते हैं, फिर कहते अब जो उनसे कहो कि आप सेवा पे, हमने कर्ज नहीं लिया आपका, जो हमको देना ही पड़ेगा। जो कार्यकर्ता जाए कि भाई आपने सेवा भेजी है, बोली थी आप दे दीजिए, ऊपर से एहसान, अरे हमने कोई कर्ज लिया है क्या? दिस इज योर लैंग्वेज, वो भी आपके धर्म के लिए, यही सीखा है आपने। कितनी बार आप भगवान से मांगते हो, आज तक भगवान ने कभी कहा है अरे तेरा कर्ज ले रखा है भाग यहां से, तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? जब तू मांगेगा ले जी 2-4 करोड़ ले जाओ, 10-20 करोड़ ले जाओ, तेरे नौकर लग रहा हूं क्या? भगवान ने कहा है क्या आज तक? बोलो कहा है क्या? जवाब दो, फिर तुम कैसे कह सकते हो भगवान के धर्म के लिए, नाम के लिए, इसके लिए? लेकिन कहता है, क्यों? इंसान स्वार्थी है, उसे सबके लिए सब करना है लेकिन धर्म के लिए कुछ नहीं करना है, इतना स्वार्थी है। एक चरण बचा है धर्म का दान, उस पर भी अभी से प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया। अभी तो 5,000 वर्ष के करीब भी नहीं निकले, करीब 5,000 करीब निकले कलयुग के, और अभी से जब यह हाल है तो आने वाले 2-4 हजार साल में तो एकदम खत्म हो जाएगा, फिर महाघोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। अभी से ये सब समय से पहले शुरू हो जाएगा। बोले कलयुग की वजह से दुखी हूं, गौ मात से पूछा आप? बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। तो माने प्रण कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित ने खड़ग निकाली, बोले ना ये कलयुग होगा ना ये अधर्म होगा। और जब खड़ग निकाली तो कहा, कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, आप मुझे मारना चाहते हैं मार दीजिए, लेकिन महाराज मुझ में भी कुछ अच्छाई है। क्या अच्छाई है तुम्हें? बोले महाराज मुझ में भी एक अच्छाई, बहुत अच्छाई है, एक नहीं, सत्ययुग में 60,000 वर्ष तपस्या करो, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तपस्या करो, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तपस्या करो, तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं, जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम गाए, बस इसी में उसका कल्याण हो जाता है महाराज। हरे नाम एव, हरे नाम एव, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। काल में सिर्फ भगवान का नाम लो और भवसागर से तर जाओ। ओहो इतनी अच्छाई है? बोले हाँ, पर ये आज के कलयुग के लोगों से पूछो कि देखो कितना सरल उपाय, नाम जपो और भवसागर से तर जाओ। पर एक बात बताओ मुझे, नाम भी निकलता है क्या मुंह से? निकलता है? भजन करने बैठते हैं ऐसे लगता है जैसे माला से लड़ाई चल रही है, ऐसा मन करता है एक ही मंत्र में पूरी माला हो जाए, युद्ध लड़ता है माला से, मन नहीं लगता माला में, माला में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि महाराज मन तो कहीं और लगा पड़ा है।
तो कलयुग को इतना अच्छा समझकर कह दिया कि नहीं ठीक है, अभी हम तुम्हें नहीं मारेंगे। रामायण में लिखा है, जरा उच्चारण करिए, कलयुग के बल नाम मधारा, कलयुग के बल नाम मधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, कलयुग के बल नाम मधारा, कलयुग के बल नाम मधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, कलयुग के बल हरि गुण गा, कलयुग के बल हरि गुण गा, गावत ही पा केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ऐसे भगवान का नाम जपने से कलयुग में सहजता से ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो कलयुग को मारा नहीं, परीक्षित जी ने कहा हम तुम्हें कुछ रहने के लिए जगह दे देते, वहां जाकर रहो। कौन सी जगह? जहां पर मद्यपान होता है वहां रहो, मदिरा पान होता है, जहां जुआ खेलते वहां रहो, जहां वैश्य गमन होता है वहां रहो, जहां हिंसा होती है वहां रहो। उन्होंने कहा महाराज मेरी फैमिली बड़ी है, थोड़ा एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दो। कहां पे? बोले महाराज मुझे स्वर्ण में निवास दे दो। राजा ने कह दिया तथास्तु, और राजा के सर पे जो मुकुट था उस समय वो सोने का था, तो राजा के सर पे ही बैठ गए। जब जीव के ऊपर कलयुग हावी होता है, जब जीव के ऊपर कलयुग हावी होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? वो धर्म की निंदा करता है, साधु संतों का अपमान करता है, धर्म से दूर भागने की कोशिश करता है। यह कलयुग का प्रभाव है। अब देखिए राजा परीक्षित ने धर्मात्मा, कलयुग के बैठने से क्या हुआ? अपराध हो गए, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज अपराध हो गए। क्या अपराध हुआ महाराज? राजा ने जब प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए, और जब समीक ऋषि के आश्रम में गए तो महाराज जल मांगा, वो समाधिस्थ थे, पता ही नहीं चला। राजा को लगे जानबूझ के मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। दोनों ने एक मरा हुआ सर्प लिया, गले में डाल दिया, देखो तो सही है, सही में बैठे हैं समाधि में कि झूठ बोल रहे हैं। तो उतर वैसे ही थे, पता ही नहीं चला। राजा चले गए अपने महल में, और जब मुकुट उतारा तो वो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। अरे आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा अपराध, संत का अपराध हो गया आज तो, अब तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, भगवान कृपा करे मुझे कोई साप, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा। तत्क्षण समीक ऋषि के पुत्र संग ऋषि ने साप दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी, जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है हम उसे साप देते हैं कि आज से सातवें दिन उसको तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना होगा। और राजा ने उसी समय घर का परित्याग किया, गंगा के तट पर पहुंचे, और गंगा के तट पर पहुंचकर अनेकों ऋषियों से प्रश्न किया। इस कथा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप सब 10 से 15 मिनट और बैठेंगे, आरती के बाद ही आप लोग जाएं। जैसा कि मैंने आपको शुभारंभ में बताया था,
पहली बात तो मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अथा कथवा सुन रहे हैं, वहाँ पर जहाँ भी कथा सुन रहे हैं, उन सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। आज से आप लोग नया दिन नई कार्य शुरू कर सकते हैं और भगवान करे आप लोग और अच्छा कार्य करें। अभी जैसा कि हमारे दबंग दुनिया के 5 वर्ष पूरे हुए हैं आज ही के दिन, तो हम चाहेंगे वो अपनी आनंद का दर्शन करना चाहते हैं वो किसी तरीके से। मैं तो हमेशा दूसरे कार्यों से उत्साह, तो उनका अपना एक स्टाइल है, दबंग हैं ये, दबंग दुनिया हैं, तो आइए वो अपने स्टाइल में उत्सव मनाएंगे। और फिर हम चाहेंगे कि 5 मिनट आप लोग सभी शांति से बैठे रहें, क्योंकि जो लोग हमारे लिए धर्म के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, हमें उनके लिए भी कुछ अपना समय देना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। राधे राधे। देखिए महाराज जी के आशीर्वाद से दबंग दुनिया ने आज 5 साल पूरे कर लिए, 6वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं दबंग दुनिया आप सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाएं, दबंग दुनिया की इस वर्षगांठ में आप सभी साक्षी बने हैं। मैं दबंग दुनिया के चेयरमैन किशोर वाधवानी जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और आपको संबोधित करें। राधे राधे। माननीय गुरुवर के चरणों में वंदन। भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो दबंग दुनिया ने 5 वर्ष में 4 प्रदेश और 12 संस्करण में लोकप्रियता अर्जित की है, और इसमें मेरे को बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये जो संस्करण चालू हुए हैं हमारे गुरुवर के ही वजह से चालू हुए हैं, क्योंकि इस दबंग दुनिया को चालू करने में मैंने पहला आशीर्वाद गुरुवर जी से लिया था और गुरुवर जी ने उसके अनुरूप वादा लिया था कि ईमानदारी से करना पड़ेगा, स्वच्छ पत्रकारिता करना पड़ेगी और इसकी कमाई हुई पूंजी को कुछ आप सेवा में भी लगाएंगे, धर्म में, कथा में, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैं गुरुवर जी को बताना चाहता हूँ कि इसकी कमाई हुई पूंजी को मैं दिल से और बंद मुट्ठी से लगाने के प्रयास करता हूँ, और जो आपको वादा किया है उसको मेरा मानना है कि मैं तो निभाऊंगा ही, मेरे बच्चे और मेरे भतीजे सब निभाते आएंगे, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ कमाया हो नहीं कमाया हो, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत आपके आशीर्वाद से इतने सुलक्षण बना कर रखा है, पढ़ाया लिखा है, वो भी आज भी आपको दिल से याद करते हैं और पहले दिन कथा पूजा में भी आए थे, मैं आपको बता दूं साहब। और आपको एक चीज और बता दूं कि दबंग दुनिया 5 साल में गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसे अवार्ड अर्जित किया है कि 25-25 साल से मेहनत करने वाले ब्रांडों ने अवार्ड नहीं किए हैं। गुरुजी मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले साल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया है, दूसरे साल लिम्का बुक अवार्ड लिया है, तीसरे साल हमने गोल्डन बुक अवार्ड, ये भी नेशनल अवार्ड होता है, और गुरुजी आपको बता दूं कि 5वें साल में हमने एक इपामा अवार्ड होता है, जो कि जर्मनी में वो क्वालिटी देखते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसमें कहीं ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, तो वो अवार्ड हमको रेयर अवार्ड मिला जिसके अंदर 1400 एंट्रियां थी, उसमें उनको 5 लोगों के नाम देना था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा सबको कि उसमें से 5 अवार्ड में से 4 अवार्ड कैंसिल करे, उन्होंने सिर्फ 1 अवार्ड दिया ये कहते हुए कि 2nd, 3rd, 4th, 5th हमारे निगाह में कोई भी ब्रांड नहीं है। तो ये उपलब्धि सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं हो सकती है, ये उपलब्धि जरूर मेरा मानना है हमारे कृष्ण भगवान की है, क्योंकि हमने कभी कृष्ण को देखा नहीं। और आपको बता दूं
कि भागवत भी मैंने सुनी है पूरे जीवन में, तो सिर्फ गुरुवर की सुनी है। जब मैंने गुरुवर की भागवत सुनी है, कराई है, तो मेरे रूप, मेरे दिमाग से या मेरी सोच है कि हमारे गुरुवर ही हमारे कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण को हमने देखा नहीं, गुरुवर को देखा, तो हमारा मानना है कि हमारे गुरुवर ही कृष्ण है, ऐसा मानना है। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में वंदन। और आगे और बता दूं कि जल्दी से हम इस 2016 में हमारे 12 एडिशन और आ रहे हैं, और आपकी कृपा रही तो 2020 में हम इस हिंदुस्तान के नंबर वन प्रोडक्ट होंगे। आशीर्वाद आपका चाहिए और रास्ते आपको दिखाना है, मेहनत हम करेंगे, सफलता जो भी है ये सब आपकी देन है। तो हम आपको जीवन में, मैं तो भूलूंगा ही नहीं, लेकिन मेरा परिवार भी नहीं भूलेगा गुरुवर जी, ये आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम चले हैं, बढ़ते चले हैं। बस दो शब्द अंत में बोलूंगा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये पूरी देन जो भी है सब आपकी है, हमारा कुछ नहीं है, हम सेवक है और सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण खरीवाल जी से निवेदन है कि मंच पर आए। प्रवीण खरीवाल जी, देखिए आपके सामने पूरी दबंग टीम आज मंच पर है, सारे रिपोर्टर, एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में बजाएं, सारे रिपोर्टर जिन्होंने मेहनत की है दबंग दुनिया को 5 साल पूरे कराने में। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, आरजू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दबंग दुनिया, हैप्पी बर्थडे टू, आप सभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दबंग दुनिया, हैप्पी बर्थडे टू। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 121,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085।
फोन नंबर 011-4756-4008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।